जूम लाइव शुरू हो गया जी। हाँ फेसबुक लाइव। हाँ फेसबुक लाइव शुरू हो गया। अच्छा जी आप स्टार्ट कीजिए। धन्वंतरि समारंभाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे गुरु परंपराम। आज का विषय जो कोरोना की तीसरी लहर आए या ना आए, आए तो क्या करें, ना आए तो क्या करें। शरद ऋतु तो आने ही वाली है, ये चाहे लहर आए या ना आए। अच्छा जी, आपका वीडियो तो लिटा उल्टा हो गया, आपका फोन को एडजस्ट कीजिए। हाँ फोन को बराबर। हाँ बराबर ही है यहाँ पर। हाँ सही है गुरु जी। तो शरद ऋतु आ रही है, उस समय ये भी सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना की लहर आ सकती है। यदि आ सकती है तो सबसे पहले आत्मानं रक्षेत, आयुर्वेद में बताया, पहले अपना रक्षण, उसके बाद अपने परिवार का रक्षण और समाज का रक्षण। जो व्यक्ति अपना रक्षण का विवेक रखता हो वो सबको बचा सकता है। उसके लिए सबसे पहले ज्ञान लेना जरूरी है कि उसके लिए हम क्या करें। अब कोरोना तो नई बीमारी नए नाम से आई है, लेकिन ऐसे देखे तो ये नई नहीं है, ऐसी बीमारियां आती ही रही है। चरक संहिता में वर्णन आया है कि जनपदो ध्वंस नाम का पूरा एक अध्याय लिखा है। जनपदो ध्वंस, महामारी कैसे फैलती है उसका विवरण चरक मुनि ने हजारों साल पहले कर दिया है कि कैसे कैसे महामारी फैलती है, उसमें क्या क्या बिगड़ जाता है और लोग कैसे मरते हैं और उस अवस्था में अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन महामारी के लिए किया। उस समय था जब महामारी फैली थी, तभी उन्होंने चिंतन शुरू किया था। रोगों से आक्रांत हो गया था जगत, कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उस समय सभी ऋषि मुनि लोग हिमालय की गोद में बैठे और पूरा का पूरा आयुर्वेद की परिषद का आयोजन किया, लोगों को बचाने के लिए कौन सी औषधि दी जानी चाहिए, उसका कैसे उपाय करेंगे। इसको देख कर उन्होंने तपश्चर्याएं की। तपश्चर्या करते करते इंद्र के पास से कुछ ज्ञान मिला, कुछ सूत्र मिले, कुछ औषधियां हिमालय से मिली और उसके बाद उन्होंने चिकित्सा शुरू की समाज में आकर और समाज को पुनः स्वस्थ कर दिया। और बताया कि ऐसी महामारी बार 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 आती है, हर एक प्रायः प्रायः 80 से 100 साल के बीच में जब काल जाता है तब ये महामारी आती रहती है। हम देखेंगे तो 16वीं शताब्दी में भी एक महामारी, 17वीं 18वीं शताब्दी में, 1820 में, 1920 में स्पेनिश फ्लू और ये 2020 में कोरोना। अलग 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 समय पर बीमारियां आती है, उसका पूरा विज्ञान सबसे पहले आयुर्वेद ने संपूर्ण वैज्ञानिक रूप से सूत्र रूप से उसका प्रतिपादन किया। भारतवर्ष को ये बहुत काम आ सकता था, लेकिन आयुर्वेद की बहुत उपेक्षा की गई। इसके लिए उसका जो हमको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिला नहीं, पूरा जगत चपेट में आया और इतना ज्ञान होने के बाद भी हम भी चपेट में आ गए। उसका कारण केवल ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उसका प्रायोगिकरण करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके लिए मिलना, उसके लिए हमको सक्रिय होना, वो बहुत आवश्यक है। तो दूसरे देशों के पास तो ऐसा कोई प्रॉपर साइंस नहीं था जो हम मानते हैं कि भाई बहुत सारे मेडिकल साइंस में और कंट्रीज आगे है, लेकिन स्वास्थ्य की संहिता और मेडिकल साइंस दोनों अलग-अलग होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल साइंस की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बीमार न हो उसके लिए क्या करें तब मेडिकल साइंस कुछ नहीं बता सकता है। एक भी दवाई एलोपैथी में ऐसी नहीं है कि जो टॉनिक के रूप में हम उसका उपयोग करें और उसका कोई दुष्प्रभाव न, जो आप स्वस्थ हो और वो आपको स्वास्थ्य को बढ़ाती हो ऐसी कोई दवाई नहीं। रोग हो और रोग को दूर करती हो ऐसी सब पथ्यों में दवाई होती है,
पथि का काम, पद्धति का काम, चिकित्सा का काम यही होता है, रोगों का, रोग दूर करने का, वो सब में कॉमन होता है। आयुर्वेद ने और एक कार्य किया है, वो सबसे पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण करना, ये आयुर्वेद का मुख्य काम है। और दूसरा काम है व्याधि तस्य रोग निवारणम, जो व्याधि हुई है, जो रोगी है, उसका रोग निवारण करना, वो दूसरी बात है। सबसे पहली बात है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसका स्वास्थ्य कैसे टिका रहे वो उसको समझना, उसके सूत्र को देना और उसकी बातें बताना। आज हम देखेंगे कि जहां जहां पर भी कोरोना की लहर आई, वहां वहां के वातावरण का अभ्यास किया जाए, तो वो या तो वसंत ऋतु जैसा वातावरण था या तो शरद ऋतु जैसा वातावरण था। दो काल पे सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है, वसंत में कफ का प्रकोप होता है और शरद में पित्त का प्रकोप। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया रोगों के माता पिता कौन है। अब कोई भी पथी में इसका जवाब नहीं है कि रोग के भी कोई माता पिता होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया रोगाणाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः, रोगों की माता शरद ऋतु है और पिता वसंत ऋतु है। ये दो ऋतु है, कब वो आती है, लगभग सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर महीने से लेकर आगे अंत तक नवंबर के आसपास का जो समय है उस समय शरद ऋतु होती है, और जो फरवरी से लेकर लगभग लगभग मार्च अप्रैल तक का जो समय है उसमें वसंत ऋतु होती है। हमने पे कोरोना की दूसरी लहर भी इसी समय देखी जो बहुत घातक सिद्ध हुई, और हमारे पास जो आयुर्वेद का विज्ञान था, इतना बड़ा विज्ञान था, लेकिन सरकार ने और लोगों ने उसकी बहुत ही उपेक्षा की। उपेक्षा के कारण हमको सहन करना पड़ा, और उसके बाद अभी थोड़ा समय मिला है तो हम आगे ऐसी उपेक्षा न करें, अपने शरीर को अच्छी तरह से समझ ले। हमको पता चल गया है कि अब डॉक्टर के भरोसे रहने जैसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी पहले जैसे करुणावान नहीं रहे हैं। डॉक्टर अपने स्तर से बहुत नीचे आ गए हैं। इसके लिए अपने आप को अपने स्तर से उठाना बहुत आवश्यक रह गया है। पहले का काल था तब वैद्य करुणावान था, ऋषि मुनि करुणावान व्यक्ति चिकित्सा करता था, उसकी चिकित्सा में कारुण्य का भाव था। लोगों को दुख, लोगों को जब रोग होता है वो अपना अवसर नहीं समझते थे। आपदा को, किसी की आपदा हमारा जब अवसर लगने लगे तब मनुष्य जाति पशु से भी नीचे गिर जाती। किसी की आपदा हो, कोई बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, तब वो मेरा अवसर कदापि नहीं हो सकता है, किसी का अवसर नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसके कल्याण की, उसके प्राणों की संरक्षणा, वो हमारा दायित्व है। तीसरी लहर आए या ना आए, शरद ऋतु अवश्य आने वाली है, तो शरद ऋतु में क्या क्या करें। जो सबसे ज्यादा संभावना होती है रोग होने की, तो रोग होने की संभावना इसके लिए होती है क्योंकि पूरा का पूरा ऋतुचर्य आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो पूरा का पूरा ऋतुचर्य का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बारिश के दिन है तब बाहर मॉइस्चर का वातावरण रहता है, पूरा का पूरा पित्त निकल नहीं पाता है, पसीना निकल नहीं पाता है, तो वो पित्त रह जाता है। अब उसको अनुकूल वातावरण जब जब मिलता है तब तब वो सारे दोष निकलते हैं। उसको बाहर अनुकूल वातावरण चाहिए। जैसे मुझे बोलना है, अनुकूल वातावरण मिला मैं बहुत अच्छा बोल पाऊंगा, बड़ा हॉल हो, अच्छा माइक हो, बहुत संख्या हो लोगों की, और एप्रिशिएट करने वाले हो, श्रोताओं में जिज्ञासा हो, तो मैं बहुत अच्छी तरह से बोल पाऊंगा, मेरी वाणी अंदर से निकलेगी। लेकिन दो चार लोग बैठे हो, वो भी सो रहे हो, किसी को कुछ रस न हो, खुला मैदान हो, बारिश बारिश आ रही हो, कोई सुनने वाला न हो, तो मेरी वाणी नहीं निकल सकती है किसी की, क्योंकि बाहर अनुकूल वातावरण होगा तब अंदर से कोई भी दोष, कोई भी वक्ता, कोई भी कला निकलेगी बाहर अनुकूल। अब बाहर पित्त को निकलने के लिए अनुकूल वातावरण कौन सा होगा, तो समान वातावरण होगा। पित्त का स्वभाव है उष्ण, तीक्ष्ण, जलद, इस तरह का पित्त का स्वभाव है।
वही उष्ण तीक्ष्ण जैसा ताप शरद ऋतु में आएगा। शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाएगा, अभी बारिश चली जाएगी, सूर्य के सीधे किरण हमारे पर आएंगे, बहुत ताप होगा बाहर, तो हमारा पित्त प्रकोपित होगा। पित्त प्रकोपित होगा तो विभिन्न बीमारियां हमारे शरीर में, सर्दी खांसी, अच्छा इसमें सर्दी हो तो डरना नहीं है, भगवान हमारा पंचकर्म कर रहा है जो हर एक शरद ऋतु में करता है। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है कि कदाचित हम पंचकर्म सेंटर में जा सकते हैं, चरक ने खोले हैं और बहुत सारी कंपनियों ने खोले हैं, तो बहुत सारे पंचकर्मों में हम जा सकते हैं। आदिवासी है, गांव में है, वो कहाँ पंचकर्म कराएगा, वो कहाँ अपनी शरीर की शुद्धि कराएगा। तो कुदरत ने एक कुदरती रूप से पंचकर्म रखा है, वो शरद ऋतु में नेचुरली आपका पंचकर्म करता है, वो कुदरत पंचकर्म करती है, वो सबसे बेस्ट पंचकर्म करती है आपको बिना पैसे लिए। और वो जब पंचकर्म करती है तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वो पंचकर्म बंद कराने के, वो पंचकर्म करती है कि इसका प्रकोपित जो पित्त है वो निकल जाए, इसके लिए सर्दी होती है, हमको थोड़ा उष्णता लगती है, कभी बुखार आ जाता है, तो हम तुरंत उसको मिटाने के लिए चल पड़ते हैं कि चलो हॉस्पिटल में जाकर आते हैं, 2 दिन हो गए सर्दी का। अब उस समय हमको सावधान रहना है कि हमारा जो पंचकर्म हो रहा है शरीर में, वो शुद्धिकरण हो रहा है, वो हमको ध्यान रखना है, वो हमको ध्यान रखना है कि ये मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, इसको रोकना नहीं है। तो शुद्धिकरण 3-4 दिन होने देना है ताकि आपके दोष सम हो जाए और बाद में कोई तकलीफ ना हो। यदि उस समय प्रकोपित दोषों को यदि पहचाना नहीं और जल्द से जल्द हमने कोई भी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन लेकर उसको दबाया तो वो दुगना आवेग से फिर हमको होगा और हमारे शरीर का तंत्र पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। इसके लिए जो कुदरती रूप से पंचकर्म जो होता है वो शरद ऋतु में होता है, उस समय सर्दी खांसी बुखार आ सकता है, उस समय आप कैसी चिकित्सा करते हो, यदि ठीक से चिकित्सा की अगले साल तक आपको कोई बुखार आने वाला नहीं। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी की कि तुरंत मैं उसको दवाई लेकर मिटा दूंगा तो फिर से वो रोग हो सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखें, तुरंत यदि बुखार आए कुछ भी आए तो पहले कुछ खाना नहीं, वो माता पिता को प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चा यदि खाता नहीं है उसको भूख नहीं है, उसका शरीर इतना सेंसिटिव है कि यदि आप अपने मुझे अचानक में यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान आपको समझाने में है, लेकिन किसी ने आकर यहाँ थप्पड़ मारी मुझे तो मेरी आंख बंद हो जाएगी। कुदरत ने ये व्यवस्था की है, किसी ने थप्पड़ मारी मुझे पता नहीं है, मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, लेकिन किसी ने यदि थप्पड़ मारी मुझको तो कहां से माइक्रो सेकेंड्स के ऊपर मेरी आंखें बंद हो जाएगी, आंखें अपना रक्षण कर लेगी कि भाई कोई थप्पड़ मार रहा है, हाथ आ रहा है, तो माइक्रो सेकेंड्स में आंखें बंद हो जाए। तो ये कुदरत ने कैसी कमाल की है शरीर में कि अपना खुद वो एक बयां करती है कि उसकी स्थिति क्या है। तो जब हमको कोई भी बीमारी लगे आने वाली, तब आप पहला काम ये करिए, घातक बीमारियों से बचने का एक सूत्र, भोजन तुरंत बंद। शरीर मना कर देगा, भूख चली जाएगी तो शरीर मना कर देगा, शरीर मना कर देगा तो आपको भोजन नहीं करना है। अब घर पे क्या करते हैं, वो कहता है कि मुझे खाना नहीं है, भूख नहीं, उसकी माँ बोल देती है अरे अशक्ति, अरे वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि साइंस में पढ़ा है नहीं खाते तो वीकनेस आ, अरे तुझे वीकनेस आ जाएगी, थोड़ा मैं पुटला बना देती। अब चने के आटे का वो पुटला बनाते हैं, एक तो वो भारी है, ऊपर से तिल भी भारी है, इस तरफ शरद ऋतु है, अब उसको वो अन्न नहीं खिला रही है, जहर खिला रही है, वो खा लेगा फिर उसको होने ही वाला है, उसको अलग अलग रोग अलग अलग बुखार होने ही वाले हैं उसको। और वो कहती है कि मैंने तो उसको खिला दिया था लेकिन वो तब से उठ नहीं रहा, तो ये स्थिति होती है। इसके लिए हमको ज्ञान होना आवश्यक है, शरद ऋतु पंचकर्म की ऋतु है, उस समय कुछ बीमारियां होगी उसकी तैयारी रखे, सर्दी खांसी बुखार जैसा आए कोई दवाई आयुर्वेद की ऐसी ले जो दोषों का समन करती हो, उसमें मैं एक आपको दवाई बताने वाला हूँ, वो खास आप लिख लीजिए, महासुदर्शन घनवटी, वो शरद ऋतु की सबसे अच्छी दवाई है। महासुदर्शन घनवटी का आप सेवन करेंगे, कड़वा रस आप पियेंगे,
तो थोड़ा बहुत आपको जो इन्फेक्शन है उसमें से राहत मिलेगा। दूसरा, आहार विहार कैसा करें वो भी मैं बताने वाला हूँ। कोरोना की लहर आए या न आए वो बात का विषय है, लेकिन इतना आप यदि सुरक्षा चक्र रखेंगे तो आप चपेट में नहीं आए। लहर आएगी, आप चपेट में नहीं आए, चपेट में भी आ जाएंगे तुरंत आप बाहर निकल जाएंगे कि चलो किसी की चिकित्सा करनी है, किसी के संपर्क में आ गए, हमको भी लग गया, हम बाहर निकल जाएंगे। क्या करना है आपको, शरीर का इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। हर एक ऋतु में इम्यूनिटी अलग अलग होती है, हर एक ऋतु में आहार विहार भी अलग अलग होते हैं। उसके लिए क्या क्या करना है, शरद ऋतु में खट्टे पदार्थ आपको छोड़ देने हैं जो पित्त करते हैं, क्षार छोड़ देना है वो भी पित्तवर्धक होता है, जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो नमकीन नहीं खानी है शरद ऋतु में, खट्टी वस्तुएं नहीं खानी है शरद ऋतु में, दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीनी है, इस तरह का आहार आपको करना है। इसीलिए हम श्राद्ध करते, शरद ऋतु में श्राद्ध आता है। अब श्राद्ध का एक विषय है, वो धार्मिक दृष्टि से तो मैं कुछ नहीं कहता हूं उसमें, लेकिन मैं आयुर्वेद की दृष्टि से श्राद्ध में जो भोजन होता है, हम जो भोजन करते हैं वो होता है, दही का नहीं होता है उसमें। आपने देखा है कभी उसमें दही नहीं होता है, उसमें कोई खट्टी चीजें नहीं, उसमें खीर होती है, उसमें मधुर दूधपाक होता है, जो जायफल वगैरह डालकर दूध में दूध सा बनाया जाता है, मधुर होता है। तो मधुर रस क्यों खाने को बोला श्राद्ध में, क्योंकि मधुर रस से पित्त का शमन होता है। लड्डू होते हैं, लड्डू क्यों है, मधुर है, मधुर रस सेवन करना है शरद ऋतु में। तो मधुर रस का सेवन करेंगे तो पित्त का शमन होगा, पित्त का शमन होगा तो कोई भी बीमारी आपको आने वाली नहीं है। पित्त आपने ठीक कर दिया शरद ऋतु में, तो कोई भी बीमारी आप आएगी तो वो या तो आएगी ही नहीं या चली जाएगी। दूसरी बात, हर एक शरद ऋतु से ये शरद ऋतु अलग आएगी। अभी क्यों अलग आएगी वो मैं बता रहा हूं। जब जब कोई भी महामारी फैलती है तब तब कुदरत उसका संकेत दे देती है। ऋषि मुनियों को एक साल पहले पता चल जाता था कि अब कोई महामारी आने वाली है। क्यों? क्योंकि बारिश के समय पर बारिश नहीं होती थी, जहां पर बारिश कम होती थी वहां ज्यादा हो जाती थी, ज्यादा होती थी वहां कम हो जाती थी, वो प्रदेश में दिव्य औषधि सारी म्लान हो जाती थी, सूख जाती थी, और जो 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 क्रूर औषधियां है, क्रूर वनस्पतियां है, वो जहां जहां उग जाती थी, कांटे वाले वृक्ष फैलते हैं, फूलते थे, तो ऋषि मुनियों को चिंता होती थी कि इसकी वृद्धि ये बताती है कि कुदरत ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने वाली है। मनुष्य जाति जब अपना दायित्व को छोड़कर, प्रकृति का दोहन को छोड़कर जब वो शोषण करने लगता है प्रकृति का, तब अधर्म होता है। प्रकृति का दोहन हम कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते। गाय का दोहन कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते। उसी तरह से प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं। शोषण करते हैं तब समष्टिगत अधर्म की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद ने ये बताया है, चरक मुनि ने, समष्टिगत अधर्म अर्थात सब लोगों को भोगना पड़े इस तरह का कोई एक अधर्म उत्पन्न होता है, वो अधर्म से जनपदो ध्वंस नामक महामारी का जन्म होता है। उसमें चार चीजें बिगड़ जाती है, हवा बिगड़ती है, पानी बिगड़ता है, देश बिगड़ जाता है और काल बिगड़ जाता है। सबसे पहले प्रदूषित होता है वायु, हमको वो पता नहीं है। इसके लिए महामारी आने के बाद हमको पता चलता है कि अच्छा इतने लोग मर गए, इतने मर गए, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, इतने बीमार हो गए, लेकिन वास्तुगत्या वायु सबसे प्रबल है। इसके लिए सबसे पहला वायु बिगड़ जाता है, उसके बाद पानी, देश और काल बिगड़ते हैं। ऋषि मुनियों की ये सूक्ष्म दृष्टि को पहचानने के लिए विज्ञान को और 100-200 साल लगेंगे, तब उसको पता चलेगा कि पानी जो भी हम इन्फेक्शन के वक्त पर पानी पीते हैं, वो पानी उस समय बहुत बड़ा कारण बनता है बीमारी फैलाने का। इसके लिए ऋषि मुनि कहते हैं, जब भी ऐसी कोई भी बीमारी फैले, वॉटर हार्वेस्ट करो और वो रखा हुआ पानी पियो। उस समय कुएं का पानी नहीं पीना है, उस समय नदी का भी पानी नहीं पीना है, उस समय और स्रोत का, कोई भी जल स्रोत का, नल का, डिप्पेल का, कोई भी प्रकार का पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो सब पानी बिगड़ चुके होते हैं। अब इतनी सूक्ष्मता
जिसके पास है, कि पानी का क्या बिगाड़ होता है, और विज्ञान एक ना एक दिन वहां तक पहुंच जाएगा, वो सिद्ध कर देगा कि महामारी के टाइम पर सबसे बड़ी जो भूल हुई वो भूल हुई कि पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल में भी ज्यादातर आदमी बीमार जो पड़ता है वो पानी के कारण पड़ता है। अम्पी बिस्लेरी का पानी यहाँ पर साधारण व्यक्ति भी पीता है बोतल लेकर, हॉस्पिटल में भी बिस्लेरी का पानी होता है। वो स्वभाव से ही गुरु होता है, ठंडा होता है, उसको पचने में ही दुगनी हमको तकलीफ होती है, पचने में भी वो गुरु होता है। उस समय जठराग्नि मंद होती है, पानी पिया तो और ज्यादा मंद होती है, वो पानी पचाने के लिए और ज्यादा उसको शक्ति की आवश्यकता होती है, पानी का अजीर्ण हो जाता है, वो पानी पी नहीं पाता है। आयुर्वेद ने ये सूत्र दिया कि जब भी कोई भी बीमारी हो तब उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना है। आयुर्वेद का सालों पहले का ये सूत्र है कि पानी के हल्का हो जाता है, केवल बैक्टीरिया नहीं नष्ट होता है। लोग कहते हैं कि हमको तो आरओ का पीते हैं तो भी हमको उबालना है। आरओ का पीना, केंजन वाटर पीना और कोई मशीन की प्रोसेस वाला पानी पीना वो बिल्कुल अलग है। उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी केवल बैक्टीरिया से मुक्त नहीं होता है, वो हल्का हो जाता है, पचने में उसको बहुत कम समय लगता है। इसके लिए आयुर्वेद का एक सूत्र यदि हॉस्पिटल में, यदि घर घर पे वो चला जाए तो हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सालों पहले का संशोधन है ये चरक का, कि कोई भी प्रकार की महामारी फैले, कभी भी रोग की ऋतु आए, शरद ऋतु रोग की ऋतु आने वाली है, तो कोई भी प्रकार की ऐसी रोग की ऋतु आए, आपको एक नियम बना लेना है, पानी उबालकर ठंडा किया हुआ पीना है। जो पानी ठंडा पीता है वो रोग को आमंत्रण देता है उस समय पर। तो पानी उबालकर ठंडा किया हुआ पीना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे बुखार आया है, कुछ भी हुआ है, ऐसा सर्दी हुई, खांसी हुई, तो पहला काम बदलना है पानी का काम। पहला काम ये करना है, पानी बदलते हैं। फिर क्या करना है, अब हम औषध लेते हैं, वो क्या होता है कि एक चारों टायर में पंचर हो और हम एक टायर पे पंचर कर दे और हम माने कि गाड़ी ठीक हो गई है, तो वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। पिछले तीन टायर में तो पंचर है, आपने एक औषध किया, पानी का कुछ बताया नहीं। डॉक्टर आते हैं, वो देते हैं कि एक सुबह गोली, एक दोपहर, एक शाम को, एक सिरप सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, एक रात को, और फिर उठो तो फिर सुबह ले लेना। तो इस तरह से वो होता है, कौन सा पानी ऊपर पीना है, अनुपान उसका क्या होता है, कौन सा दोष प्रकोपित है, तो आहार क्या ले सकते हैं, आहार सब कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ के जो 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 लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने काम किया, उसमें बहुत लोगों ने अच्छा भी किया, लेकिन बहुत सामाजिक संस्थाओं कोरोना के पेशेंट के लिए उनके यहाँ भोजन देने की व्यवस्था बनाई, टिफिन देने की। टिफिन में उन्होंने क्या दिया, टिफिन में उन्होंने गुंदरपाक दिया, टिफिन में रबड़ी दी। जब अप्रैल का समय था तब उन्होंने भारी भरकम चीजें, दही दिया, कचुम्बर दिया, अलग अलग प्रकार का जूस, अलग अलग प्रकार के खट्टे मीठे साथ में इकट्ठे करके दिए। अब वो व्यक्ति के ऊपर तो ये जुलम किया, उससे अच्छा था वो भूखा रहता तो जी जाता, लेकिन ये सब खाकर वो मरा। तो ज्यादातर जो मरण हुए वो विपरीत आहार से हुए, कोरोना से नहीं हुए। कोरोना के बाद उसको जो ध्यान रखना था वो ध्यान उसने रखा नहीं, समाज को वो पता ही नहीं था, सामाजिक संस्थाओं को पता नहीं था कि कौन सा आहार उसको देना है। वो अभी कोरोना से ठीक हुआ है या तो अभी कोरोना है, तो क्या दे। तो खास करके कोरोना छोड़ दीजिए, कोई भी प्रकार की बीमारी आपको आए शरद में, तो खास करके आपको ऋतुचर्या का ध्यान देना है। तो आहार में गर्म भोजन करना है, बासी ठंडा भोजन नहीं करना है, सुबह का, दोपहर, दोपहर का, शाम को ऐसा नहीं करना है, दुर्धर चीजें नहीं खानी है, स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, वो दुर्धर होते हैं। तो जितने जितने पदार्थ भारी हो जाते हैं वो उस समय नहीं खाने हैं, ये एक आपको ध्यान में रखना है। हवा की शुद्धि के लिए सालों पहले यज्ञ की बात बताई थी, हम रोज धूप करेंगे तो धूप से बहुत सारा वातावरण शुद्ध होता है। पलंग कषादी धूप का वितरण हमने यहाँ पर भी किया था, जो विषम ज्वर चिकित्सा में चरक ने लिखा है। अरिष्ट धूप का भी वितरण किया था, उससे वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। नीम अभी मिल रहा है, नीम के पंचांग का धूप कर सकते हैं, गोबर के साथ गुगुल का धूप कर सकते हैं, रोग रक्षक धूप का धूप कर सकते हैं। धूप में इतने माइक्रो इतने जो
सूक्ष्म तत्व होते हैं कि आयुर्वेद के मत से धूप के पार्टिकल सबसे सूक्ष्म है, वो सबसे ज्यादा तुरंत फैलने वाले होते हैं। तो अच्छी औषधि का धूप किया तो बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं। इसको काश्यप संहिता में धूप कल्प नाम का एक कल्प है। आत्मवान धूमपो भवे, जिसको निरोगी रहना है, आत्मवान रहना है, वो धूम का सेवन करे, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। धूप सबसे पहले किसी ने दिया दुनिया को, कि कोई धूप धूप हो सकता है तो वो भारत ने दिया। तो धूप के ऊपर बहुत कार्य करने जैसा है। कभी भी महामारी के समय पर अभी आपके यहाँ रोज धूप शुरू कर दीजिए, नीम का, गुगुल का, जो अच्छी औषधि मिले आपको उसका दो समय धूप करने में 5-5 मिनट लगती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। 5-5 मिनट में आपने धूप कर दिया, उसका वीडियोस भी हम आपको देंगे कि कैसे धूप करना है, किस तरह से घर पे फैलाना है, उसका जल्द से जल्द वीडियो राजेश्वर जी मुझे कहेंगे, मैं प्रयत्न करके उसका वीडियोस बना दूंगा, ताकि आप धूप शुरू कर दे सब जगह पर, तो बीमारी आएगी नहीं। बहुत सारे वायरसेस, बैक्टेरियाज, प्रोटोजोआस ऐसे होते जो दिखते नहीं है लेकिन वो धूप से नष्ट हो जाते। औषधियों की ताकत बहुत होती है, इसके लिए वो धूप के माध्यम से औषधि के सूक्ष्म कण प्रसरित हो जाते हैं और उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये आप एक वायु शुद्धि के लिए ये उपाय करें। जल शुद्धि का मैंने उपाय बता दिया, उबाल कर ठंडा किया हुआ जल, उसमें भी षडंग पानीय कषायम का होता है, जल शुद्धि बूंद हमने बनाया है, उसका 10 बूंद डाल सकते हैं। तुलसी ड्रॉप्स आप 2-3 डाल सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स डाला हुआ पानी पियेंगे, अभी जल शुद्धि डाला हुआ पानी पियेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, तो शुद्ध हो जाएगा। षडंग पानीय भी है, 6 वस्तुएं पानी में डालने की है, जैसे सूंठ हो गया, सुगंधी खस हो गया, इसको सुगंधी वाड़ा कहते हैं, ऐसी औषधियां डालकर आप उबाल कर पानी पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा पानी होगा। तो ये पानी और हवा की बात मैंने बताई। काल, अभी ऋतु के अनुसार आप चलेंगे तो काल की शुद्धि होगी, ऋतुचर्या करेंगे तो वो ऋतु में से जो होने वाले रोग है उससे आप बच जाएंगे। देश, उसमें 2 बातें बताई देश की शुद्धि के लिए। एक तो आप कोई ना कोई सात्विक आराधना करिए, सत्वावजय चिकित्सा करिए, या तो देव्यपाश्रय चिकित्सा करिए। ऋषि मुनि पहले ऐसे कालों पे इकट्ठे होते थे और सात्विक आराधना करते थे, सात्विक भाव रखते थे और देव्यपाश्रय चिकित्सा में आगे बढ़ते थे, क्योंकि मन का बहुत रोल होता है यहाँ पर। सत्वावजय चिकित्सा इसके लिए आयुर्वेद में अलग बताई है। हम यदि इस समय डर का, भय का माहौल होता है, उस समय पर यदि हम डर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे इम्यूनिटी पर इफेक्ट होती है, बहुत सारे रोग हमको हो सकते हैं। इसके लिए ये ध्यान रखे, सावधानी रखे, पूरा ज्ञान रखे, लेकिन डरे नहीं। आपके पास आयुर्वेद जितना बड़ा विज्ञान है वो आप कभी ना भूले। आपके पास आयुर्वेद का ज्ञान है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऋषि मुनियों ने इतना सारा कुछ अपने जीवन भर तप करके आपको दिया है, और ये हम प्रयत्न करते हैं कि आप लोगों तक ये मैसेज आसानी से पहुंचे भारत भर में। और गुरुवर्य की तो इतनी मेहनत है इसके ऊपर कि जब कंजक्टिवाइटिस फैला था वाराणसी में, तब कोई उसको हटा नहीं पाया, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ड्रॉप्स पर रह गया और वो तेजी से फैलता था, लगभग पूरे भारत में फैल जाता, कोरोना की जैसी स्थिति आ जाती उस समय। लेकिन उस समय गुरुजी ने सर्प की कुछ केचुए का धूप करने को बताया, जो ऊपर की चमड़ी होती है सर्प की, और उससे वो नष्ट हो गए वायरस। और ऐसा आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है कि विभिन्न प्रकार के धूपों से नष्ट हो जाता है। संक्रामक रोगों को जब एलोपैथी को पता नहीं था, किसी भी प्रकार के रोग कैसे फैलते हैं उसका कोई नॉलेज नहीं था, तब आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में ये लिखा गया कि किस तरह से फैलता है। अभी उतनी सावधानियां तो एलोपैथ वाले भी नहीं रखते हैं, आप देखिएगा इतना वैज्ञानिक होने के बावजूद कहाँ कहाँ सावधानी नहीं रखते हैं। उसका एक श्लोक आपको मनन करने जैसा है कि संक्रामक रोगों के बारे में, पेंडेमिक के बारे में जितना आयुर्वेद ने सोचा है उतना कोई सोच नहीं पाएगा। उन्होंने लिखा है, प्रसंगात, गात्र संस्पर्शात, निश्वासात, सह भोजनात, सह सय्यासनात चापी वस्त्र माल्यानु लेपनात्। आगे क्या कहते हैं, कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एवच
उपसर्गी का रोगांश संक्रामंती नरान्नर, किस तरह से वो संक्रमण होते हैं? प्रसंगात, गात्र संस्पर्शात। उसमें बताया है कि एक दूसरे को यदि शरीर का टच हो जाए, इसके लिए हम दूर से, अभी अभी हमने देखा ना डिस्टेंसिंग का, तो उससे भी फैल सकते हैं, गात्र का संस्पर्श होने से भी फैल सकते हैं, उश्वास से भी, एक की श्वास दूसरे में गए फैल सकते हैं। उसके बाद बोले सहभोजनात्, एक साथ भोजन करने से भी फैल सकते हैं। सहसया, एक बेड पर दो व्यक्ति सोने से भी एक दूसरे के रोग संक्रमित हो सकते हैं। देखिए ये गाइडलाइन में नहीं, तो आयुर्वेद का ये कितना बहुत वैज्ञानिक निरूपण है, और ऐसे रोगों के बारे में आयुर्वेद बताता है कि आपने धूप कर दिया, आपने पानी को उबाल कर ठंडा किया हुआ पीने लगे, आपने कुछ औषधि आयुर्वेद की रख दी, तो आपको डरने की कोई जरूरत, आप निर्भय हो जाएंगे इससे। ये पहली चिकित्सा की बात बताए। आगे क्या कहते हैं, कुष्ठम, कुष्ठ ऐसा रोग है, चमड़ी का रोगों को, बहुत सारे चमड़ी के रोगों को हमने बताया है जो डॉक्टर नहीं बताते थे, स्किन स्पेशलिस्ट, वो यहाँ पर साबुन देकर पूरा का पूरा साबुन से नहाते थे। मैंने कहा अब वो पूरे पूरे शरीर में हो गया, एक जगह था तो, एक जगह तो कुदरती हुआ था और सब जगह आपने कर दिया। बोले क्यों? बोले वहां साबुन देते, बोले हाँ, वही साबुन आप ऊपर लगाते, बोले हाँ, तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, साबुन आप यदि उस जगह देते हैं और वही साबुन से आप पूरा शरीर को स्नान करते हैं, तो मानो कि वो वहां का पूरा जो चेप है वो पूरे शरीर में जाए, तो पूरा शरीर में कुष्ठ हो जाए। और ज्वर भी ऐसा है, जो अभी का बुखार आता है, जो अभी का, वो संक्रामक होता है, अभी हमने देख लिया वो कोरोना के टाइम पर। तो इसके लिए सबसे पहले ये आयोजन करे, पहली बात जल की, वायु की, देश के लिए सात्विक भावना से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करें। आयुर्वेद में देव व्यपाश्रय चिकित्सा ज्वर के लिए बताई है, उसमें बताइए है विष्णु सहस्त्र मूर्धानम चराचर जगतपतिम स्तुवन नाम सहस्त्रेण ज्वरान सर्वान व्यपोहति। सर्व प्रकार के ज्वर के लिए विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, वो चरक संहिता में बताया गया है। चरक संहिता में श्लोक आया है कि ज्वरान सर्वान व्यपोहति, विष्णु सहस्त्र मूतानम चराचर जगतपतिम स्तुवन नाम सहस्त्रेण ज्वरान सर्वान व्यपोहति। सर्व प्रकार के ज्वर की निवृत्ति विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से होती है। तो वो देव व्यपाश्रय चिकित्सा भी न भूले हम लोग, देव व्यपाश्रय चिकित्सा भी करे, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आयुर्वेद ने इसके लिए उसके लिए अलग चिकित्सा बताई है, वो कोई अंधश्रद्धालु व्यक्ति ने नहीं, चरक जैसे वैज्ञानिक ने देव व्यपाश्रय चिकित्सा लिखी है। सत्वावजयी चिकित्सा लिखी है, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सद्विचार का, आयुर्वेद का पठन करे। मैं कहता हूं कि जैसे जैसे रोग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राजेश्वर राव जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आयुर्वेद का श्रवण करें। हमेशा बताया है कि आयुर्वेद के श्रवण से सत्वावजय चिकित्सा, सत्वावजय हमारा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमको लगता है कि आज तक हमको पता नहीं था कि हमारे पास क्या है। रिलायंस में मानो कि जन्म हुआ, किसी रिलायंस वाले के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, पुत्री का हुआ, किसी का भी, या ऐसी कोई भी बहुत बड़े आदमी के यहाँ बेटे का, छोटा था वो, एक दिन का, दो दिन का, पांच दिन का, एक महीने का होता है, उसको पता होता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति, और होता है एक चॉकलेट के लिए, उसको लगता है कि ये मुझे चॉकलेट दे देगा। किसी को पास बिस्कुट मांगता है, एक महीने का, दो महीने का, या छह महीने का, एक साल का होता है, उसको पता है वो कौन है, उसके पास क्या है, नहीं पता है। ऐसी स्थिति आज हमारी है एक साल के बालक की, हम एक गोली मांगते पेरासिटामोल की उसकी, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास क्या साइंस। तो इतना बड़ा विज्ञान है जिसने बुखार के ऊपर लगभग लगभग 25 ग्रंथ इतने इतने बड़े लिखे हो, केवल बुखार के ऊपर, इतने आयुर्वेद के चैप्टर केवल बुखार के ऊपर है, कितने प्रकार के बुखार होते हैं और उसको ठीक करने के कितने तरीके। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि आत्मविश्वास बढ़ता जाता है सत्वावजयी चिकित्सा में। बहुत सारी चिकित्सा है, बहुत सारी औषधियां है हमारे पास, उसका हम प्रयोग करेंगे तो घर पे अवश्य ही हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। इसके लिए ये बताया कि पहले पानी उबालकर ठंडा किया हुआ, वायु के धूप का रोज सेवन करें, धूप रोज करें, कुकुल का धूप करें, नीम का करें,
और रोग रक्षक धूप जो हमारा बनता है उसका भी आप कर सकते हैं, अनेक औषधियों का धूप आप कर सकते हैं वहां पर घर पे करें। आहार में पूरा आहारचर्या जान ले, उसके ऊपर हम फिर एक बार मिलेंगे कि आहार अभी की ऋतु में कौन सा आहार करना है। नहीं तो आप एक बात याद रखें कि आपको यदि आहार विपरीत है तो दवाई क्या देव भी आपको नहीं बचा सकता है। आपका आहार विपरीत हो गया तो आप भूल जाइए, आपको कोई बचा पाएगा, क्योंकि देहो ही आहार संभव, देव का देह का जो मुख्य फ्यूल है वो आहार। आहार आप विपरीत ले लेंगे तो औषध नहीं बचा पाएगा, औषध विपरीत ले लिया तो आहार से उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन आपने आहार ठीक नहीं लिया, पहले कहते थे कि शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता, शिव रुष्ट हो गया तो गुरु त्राता होगा, तो गुरु बीच में आकर समझौता करा देगा, लेकिन गुरु रुष्टे न कर ही, गुरु रुष्ट हो गया तो शिव नहीं कर सकता है होगा। तो ये एक बात थी कि औषध आपने गलत ले लिया, आहार से ठीक हो सकते हैं, आहार गलत ले लिया तो बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए हम बताते हैं कि आहार पर पूरा ध्यान दीजिए, घर पर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो हमको पूरा पता होना चाहिए, ऋतु वाइज कैलेंडर होना चाहिए। नहीं है तो हम इसके ऊपर कम से कम शरद ऋतु में जब महामारी फैलती है तब चरक मुनि ने बताया है आपको कौन से आहार नहीं करने, और वो आहार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं और हम भी रोग के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बताया आहार के बारे में, देश और काल के बारे में कि काल को समझना है तो उसको आहार काल के अनुरूप लेना है। देश जहां पर आप रहते हैं वहां पर कैसा वातावरण है, वहां पर कैसी विकृति है वो भी पहचानना है आपको। हर एक देश का वातावरण अलग अलग होगा, इसके लिए उसको पहचान कर आप अवश्य ही कुछ सावधानियां रख सकते हैं, कुछ सावधानियां रखें। इतना आप करेंगे, खास करके कुछ औषधि आपको मैं बताता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ कुछ कुछ औषधियां का हम सेवन करें, खास करके गुलकंद का सेवन करें शरद ऋतु। पित्त का शमन होगा गुलकंद से तो वो पित्त बढ़ेगा नहीं आपका, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा गुलकंद का सेवन करें। जहां जहां पर भी आपको ऐसा लगे यहाँ पित्त की वृद्धि हो रही है वहां वहां पर मुनक्का द्राक्ष होती है, काली द्राक्ष होती है, दूध होता है, इलायची होती है, बरियाली का मुखवास रोज सेवन करें, जो ऊपर हम सौंफ कहते हैं उसको, सौंफ का सेवन करें आप थोड़ा भोजन के बाद, तो वो पित्त का शमन होता है। पित्त का शमन से रोकना, क्रोध न करें, रात को जब पूर्णिमा आए उस दिन आप जगे लेकिन अननेसेसरी कहीं पर भी जगे नहीं, बहुत बाहर न निकले। शरद ऋतु में एक खास ध्यान रखें, आपको कम से कम बाहर निकलना है क्योंकि सीधा सूर्य का किरण आता है तो ताप बहुत पड़ेगा, अभी ताप पड़ेगा तो आप यदि बाहर जाएंगे तो ताप सीधा आपके ऊपर आएगा, शरीर का पित्त प्रकोपित होगा, तुरंत बुखार होगा। इसके लिए खास याद रखें आप बाहर जाए नहीं, बाहर जाए तो पूरे मस्तिष्क को ढक दे। अभी के किरण जो होते हैं भाद्रपद महीने में वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं, तीव्र होते हैं, वो माथे पर लगते हैं तो पित्त को प्रकोपित कर देते हैं और शरीर के पित्त के प्रकोपित से बुखार आता है। इसके लिए ये आप ध्यान रखें, ऊपर कुछ ढककर ओढ़कर जाए बाहर निकलना पड़े तो। अगस्त्य का उदय भी होगा, भाद्रपद महीने के दूसरा पक्ष आएगा उसमें अगस्त्य का उदय होगा आकाश में, तब अगस्ती नाम की वनस्पति होती है उसके फूल खिलेंगे, इसके लिए उसका नाम अगस्ती है वो फ्लावर का नाम, जिसपे ऊपर नागरवेल का पान जो हम खाते हैं उसकी बेल चढ़ती है, वो बहुत फूलती फैलती है उस पर रहती, तो वहां पर होगा उस समय पर बहुत ही सूर्य के किरण तीव्र हो जाते हैं, वो तीव्र होकर पानी को शुद्ध करते हैं, बारिश के बाद पानी गंदा हो जाता है उसको शुद्ध करने के लिए सूर्य को बहुत तपना पड़ता है। ये पूरी कुदरत ने व्यवस्था बिठाई है कि पूरी इतनी सूर्य की तेज धूप लगेगी कि वनस्पति को भी कुछ कुछ वनस्पतियां सूख जाएगी, जैसी ये सूखने लगेगी नदी के किनारे की वनस्पतियां उगने लगेगी वही प्रॉपर्टीज वाली। तो कुदरत को पानी को शुद्ध करना है इसके लिए सूर्य को तपाना पड़ेगा, और सूर्य खूब तपेगा अगस्ती के उदय के बाद। इसके लिए आप शरद ऋतु में यदि दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो अवश्य ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, निरोगी रह पाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं दूसरी लहर में,
बहुत सारे कोरोना के पेशेंट को मैं मिला, मैं नीडर होकर उनकी मैंने चिकित्सा की, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, बहुत सारे लोगों की चिकित्सा की, और मैं चिकित्सा करते 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 बहुत लोगों के संपर्क में आया, और हमारे स्नेही हमारे सत्संगी भी बहुत लोग उसमें आए थे, तो मुझे भी हुआ था। मैंने वो 5 दिन तक देखा क्या 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 उससे दोष प्रकोपित होते हैं, कैसी स्थिति होती है, वो मैंने अनुभव किया। एक रूम में बैठकर अलग 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 आयुर्वेद की औषधियां ली, एक भी प्रकार की मैंने एलोपैथ औषधियां नहीं ली, तो भी मुझे घातक कहने होने वाला जो कोरोना है उससे मैं तुरंत तुरंत धीरे 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 बाहर आ गया। ये मैं मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ। और भी मैंने चिकित्सा की, एक रूम में मैं बैठ गया, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पिया, उसके विभिन्न विभिन्न औषधियां, और मैंने खुद अनुभव किया कि उससे शरीर पे क्या परिवर्तन होता है, उससे क्या क्या होता है। अनेक प्रकार अनेक लोगों को मिला था, अनेक पेशेंट की दवाई दी थी, तो मुझे धीरे 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 वो औषधियां के गुण स्वभाव कर्म ये सब पता चलने लगी कि शरीर में इस प्रकार के विकार होते हैं, तो इस प्रकार की औषधियां उसमें बहुत सफल हो। तो मेरे लिए दोनों प्रैक्टिकल हो गए। मैंने पढ़ा, उसके बाद सबसे पहला कोरोना का वीडियो हमने डाला, और वो शास्त्रीय पद्धति से हमने डाला है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि कोरोना आयुर्वेद क्या बताता है कोरोना के बारे में। मैं बैठ कर उसकी पूरी की पूरी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी, चरक संहिता, सुश्रुत और अलग अलग शास्त्रीय ग्रंथ और अथर्ववेद के आधार पर। तो इसको मैंने ही देखकर एक वीडियो बनाया था रखकर, और उसके बाद कुछ औषधियों का विचार किया। उसमें कुछ औषधियां मैंने अभी आपको बताई, महासुदर्शन खंड, कुछ औषधियां हम गुरुकुल से भी बनाते हैं, जैसे कि इफनी है, मेगा कोल्ड है, उसका भी सेवन अभी कम करना है। पित्त की ऋतु है, इसके लिए उसका डोज आधा कर देना है, वही डोज नहीं चलेगा। ऑक्सी सिरप का भी आधा डोज कर देना है, जो हम ठंड में या बारिश में लेते थे, अभी शरद ऋतु आएगी तो डोज उसका आधा हो जाएगा, कुछ दवाई उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें कि इतनी दवाइयों का आप नियमित सेवन करते रहे, कभी भी बुखार आए तो आप खास इतनी बात करते रहे, इतनी दवाइयों का सेवन करते रहे। दूसरी बात, एक बात खास मैं आपको कहने वाला हूं, जो आयुष ने भी नहीं कही, WHO ने भी नहीं, कोरोना हुआ आपको ये पता नहीं होगा, मैं उसके ऊपर यदि घटनाओं का क्रम लिखूं तो मुझे, मैं प्रामाणिकता से कहता हूं कि आयुर्वेद के वैद्य की टीम यदि मिलकर ऐसे करे तो लगभग लगभग नोबेल को हम अप्लाई कर सकते हैं कि कोरोना को बहुत बार हमने गलतियां की और हम वो गलतियों से मरे कोरोना से। तो इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो स्नान की है। बुखार आया और आपने स्नान कर लिया, मानो बुखार को आपने आमंत्रण करके रोक लिया, पर क्या आप अब जाना नहीं, आप यहीं पर। बुखार आया तो आपको पहला छोड़ना है वो स्नान। तो ये कुछ अंधा धार्मिकपन हमको हमको मंजूर नहीं है, ऐसा अंधा धार्मिकपन नहीं होना चाहिए। आप जिंदे रहोगे तो बहुत सारा धर्म कर्म कर सकते हो, और आयुर्वेद के संहिता वाले ऋषि कोई अधार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो डॉक्टर केवल नहीं थे जो सूट पुट पहनकर उसको कोई धर्म का पता नहीं, वो धर्मशास्त्र लिखने वाले थे, वो तत्वज्ञानी व्यक्ति थे। ऐसे वैसे आदमी की बुद्धि चलती ही नहीं है ये विषय पर, वो बहुत बड़े तत्वज्ञानी व्यक्ति थे, और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की संहिता और दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद दी, तो उसको धर्म में पता नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज कोई भी मुझे पूछ सकता है तो धर्मशास्त्र का मैं प्रमाण देकर, एक एक स्मृतियों का मैं प्रमाण देकर आपको वो बात कहूंगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात करें, स्नान न करें। आज हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बुखार आया, हॉस्पिटल वालों ने बताया नहीं कि आपको स्नान नहीं करना है, वो लोगों को उन्होंने नहीं बताया, WHO ने नहीं बताया, आयुष मंत्रालय, व्यक्ति को पता ही नहीं कि पहले मुझे स्नान नहीं करना है। अब दोष निकल रहे हैं, उसको पसीना आ रहा है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, हमने स्नान कर लिया तो वो फिर नहीं निकल पाएंगे, आपका शरीर ठंडा हो गया, तो फिर दोष अंदर रह गए। आयुर्वेद स्नान के 10 गुण बताता है, जो किसी ने नहीं बताए हैं स्नान की महत्ता। लेकिन आयुर्वेद वो भी बताता है कि कोई कोई अवस्था में स्नान नहीं करना है, और ऐसे हजारों केस मेरे पास आए, बहुत लोगों पे फोन आए, अब मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूं कि मेंसिस में सारी बीमारियां, केवल मैंने एक टिप दी है मेंसिस के बारे में, बहनों को मेंसिस में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कोई वीडियो नहीं था मैंने यूट्यूब पर देखा, तो उसमें मेंसिस में स्नान नहीं करना है वो कोई हिम्मत नहीं कर पाता था बोलने। तो रजस्वला परिचर्या का हमने वीडियो दिया,
बताया हमने कि, और पूज्य गुरुवर्य ने ऐसी बहुत सारे संशोधन करके बताया कि बड़े बड़े रोग जो आपको होते हैं उसके कारण बहुत छोटे छोटे हैं, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद, सूक्ष्म दृष्टि की उपलब्धि के बाद, रजतम गुण की निवृत्ति के बाद, सत्व गुण के उदय के बाद वो प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई लैब में पता नहीं चल सकेगा, चाहे हजारों लाखों लैब हो जाए, वो उस समय वो दृष्टि वहां पर प्राप्त कभी नहीं हो सकती है साधन से, वो साधना से प्राप्त कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये बताया था, और आज हमको याद है कि उन्होंने जो जो बताया वो टिप्स हम देते गए, तो लोगों को लगा कि हम सालों से हैरान हो रहे थे, ये बात तो हमको पता ही नहीं थी कि इसका संबंध इससे है। गुरुजी ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया कि बहन जब मेंसिस में होती है तो उसके शरीर में हीटिंग होती है अंदर, वो हीट कर देता है कुदरत पूरा शरीर उसको, क्योंकि उसको मेंसिस है तो उसको टॉक्सिन्स उसके निकालने हैं। वो एक प्रकार का पंचकर्म करती है स्त्रियों का हर महीने पे 3 दिन, तो वो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हीट जनरेट करना जरूरी होता है, अंदर हीट होती है तो उसके स्तन पर हीट होती है, अंदर खून पूरा गर्म होता है। उस समय यदि वो रसोई बनाती है, गैस की अग्नि को सीधा लेती है, तो वो खून ज्यादा गर्म होगा, उससे गांठे होगी और उससे कैंसर हो सकता है। और आप देख रहे हैं आज ब्रेस्ट कैंसर कितना बढ़ गया। अब ये कारण कोई डॉक्टर को पता नहीं है, नहीं ऑन्कोलॉजिस्ट को पता है, नहीं ऑन्को सर्जन को पता है, और नहीं MD को पता है, नहीं MS को पता है, नहीं PhD को, वो किसी के पास वो दृष्टि नहीं है कि इसके कारण बहुत छोटे छोटे जो आप हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, तो वहां पर हम समझ जाए तो कोई भी प्रकार का आपको बुखार आए उसमें पसीना निकलने दे। ऋषि मुनियों ने एक क्लू दिया है कि पसीना जब निकल जाए आपको तो मानो कि आपका बुखार जाने वाला है। प्रस्वेदात, प्रस्वेदात अर्थात पसीने से, ज्वरांतः प्रस्वेदात ज्वरांतः, समझ गए। बहुत अच्छा सुभाषित है, क्या जीवन की बातें बताई है उन्होंने। बताया है कि धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, धनक्षये, धन का क्षय होता है तो कलह होती है, घर पे कलह होने लगे, भाई भाई झगड़ने लगे, भाई बहने झगड़ने लगे, पिता पुत्र झगड़ने लगे, तो मानो कि लक्ष्मी अब जाने वाली, लक्ष्मी अब जाएगी, समझ गए। धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, पुण्य क्षये नीच जनस्य सेवा, पुण्य का क्षय हो जाए तो नीच लोग हमको उच्च लोग लगने लगे, जिसके पास कोई चारित्र का कोई भी प्रकार का उत्कृष्टता नहीं है, चारित्र का बल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो शर्ट पहन कर आते हैं, सिक्स पैक बॉडी का प्रदर्शन करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जब हमारे आदर्श बन जाएंगे वो भी एक कारण बन जाएगा इसका, पुण्य क्षय नीच जनस्य सेवा, पुण्य क्षय का कारण बनेगा। और समाज में पुण्य क्षय होगा अधर्म बढ़ेगा और उससे महामारी। आज हम देखते हैं कि पुण्य क्षय हो गया है समाज का, पुण्य क्षय नीच जनस्य सेवा, और उसके बाद बताते हैं कि पाप क्षय श्री रघुनाथ सेवा, ज्वरांत ज्वर क्षय प्रसेवो प्रस ज्वर क्षय प्रस्वेद, ज्वर क्षय, ज्वर का क्षय हो दे तो ज्वर क्षय तो प्रस्वेद, ज्वर क्षय होता है तब प्रस्वेद अर्थात पसीना निकल जाता है। इसके लिए कभी भी आप बुखार आए ऊपर पंखा नहीं चलाना है, बहुत हवा नहीं लेनी है, पसीना निकले वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक आप क्लू रखिए कि पसीना निकलेगा आपका रोग निकल रहा है, वो पसीना नहीं है वो रोग निकल रहा है, इसके लिए वो ध्यान रखे, स्नान न करे नहीं तो रुक जाएगा। तो पहला क्लू ये, स्नान न करे, भारी भोजन न करे, अग्नि मंद हो गई है, अग्नि आपकी है, अग्नि मंद हो गई है, इसके लिए उसको ईंधन दे ताकि वो जले। तो इसके लिए क्या ईंधन देना है, आप बिल्कुल बिल्कुल अग्नि लुप्त हो गई हो, अग्निहोत्र करते हैं तो पता होगा आपको, कंडा बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसे थोड़ा हो तो आप क्या करते हो, उसमें रुई डालोगे, कपूर डालोगे, ऐसा कुछ डालोगे ना कि पूरा का पूरा एक कंडा डाल दोगे उसके ऊपर, क्या करोगे आप, गमला डाल दोगे, एक पूरा का पूरा कंडा डाल दोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पाउडर करोगे या ऐसा, तो ये अग्नि मंद हो गई है, उसके ऊपर भारी लड्डू खा लेंगे तो क्या करेगा, वही मर जाएगा सीधा। इसके लिए मुख का पानी लेना है, पहले दिन 7 दिन का परिचर्या का क्रम है, पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या, पांचवें दिन क्या, छठे दिन, सातवें दिन क्या, उसके साथ आहार का क्रम है,
तो वो कभी भी किसी को हो जाए तो आप ये डाइट चरक मुनि का याद रखिए, वो चरक डाइट है, तो वो चरक का डाइट रखिए, उसको संसर्जन क्रम कहते हैं। वो संसर्जन क्रम कहेंगे, वो घर बैठे पंचकर्म कर सकता है। और चरक मुनि ने इसके ऊपर हिमालय में बैठकर सालों साल सोचा है, वो यूट्यूब के वीडियो सुनकर चरक ने नहीं लिखा है, नहीं कोई कॉलम पढ़कर लिखा है। उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज आप वो देखेंगे तो 100 लोग उस पर PhD कर सकते, इतने तो ग्रंथ है। आप बताओगे कि ये मैं पूरा जीवन पढ़ता रहूं तो पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने कब लिख लिया इतना, तो इतना सारा उन्होंने लिखा है। तो ये पूरा का पूरा संसर्जन क्रम है, हमने उसको अप्लाई किया था गवर्नमेंट में कि आप जल्द से जल्द पूरे भारत में, कोरोना हो गया है तो भी पूरे भारत में आप धूप की व्यवस्था कराओ। हम निस्वार्थ भाव से उसमें जो सहयोग होगा, हम औषधि मुफ्त में यहाँ से कलेक्ट करवाएंगे, कलेक्ट करवा कर हमारी संस्था जितना बच सकती है उतना हम प्रचार करेंगे, उतना हम देंगे। हमने धूप मुफ्त में दिया था, बहुत सारा धूप, तो इसके लिए नीम का है, गुगुल का है, और पत्र भी लिखा था कि आप ये करो। लेकिन आज हमको पता है कि अज्ञानी व्यक्ति जब डिसीजन मेकर हो जाता है तो चाणक्य कहता है कि वो देश के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। आज सभी व्यवस्थाओं में अज्ञानी लोग, तो अज्ञानी फॉलोवर रहे, सपोर्टर रहे, तब तक बराबर है, वो डिसीजन मेकर नहीं बनना चाहिए। आज धर्म व्यवस्था में डिसीजन मेकर अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं है। अध्यात्म व्यवस्था में कुछ पता नहीं है लीडर को, राजनीति में कुछ पता नहीं है, व्यापारी वर्ग में कुछ पता नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ पता नहीं। इसके लिए सब हॉस्पिटल 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 करते हैं। लेकिन आयुर्वेद को यदि समझा जाए तो आयुर्वेद के पास अनंत शक्ति है। इसके लिए चरक ने बताया है, आयुर्वेदो अमृताना, अमृत जो जगत में शाश्वत रहने वाली चीजें है उसमें से प्रधान चीज है वो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को पंचम वेद की उपमा दी गई कि चार वेद तो है जो सभी ज्ञान के स्रोत है, आयुर्वेद ये पांचवा वेद है, पंचमो वेद उच्यते, पांचवा वेद कहा गया है। इसके लिए आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयो परमादरः, आयुर्वेद के उपदेश पर परम श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। तो हम अपनी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम अवश्य ही बचा सकते हैं। भारत को आज ये ज्ञान देने की जरूरत है, और आज सबसे ज्यादा जो हुई वो हमारे अज्ञान के कारण जो भी अनिष्ट हुआ, जो भी कुछ दुर्घटना घटी, जो भी कुछ नुकसान हुआ, उसमें एक कारण हमारा अज्ञान भी है। हमने ज्ञान पा लिया होता तो हम बहुत कुछ इस रोग पे कर सकते थे, बहुत कुछ हम अच्छी फाइट दे सकते थे, ये रोगों के ऊपर बहुत अच्छे उपचार हम समाज को बता सकते थे, उसको बचा सकते थे। तो इसके लिए अब तैयारी है, तो ये तैयारी हमको जो सच्चे अर्थ में तैयारी करनी है, वो हॉस्पिटल बांधने की तैयारी नहीं करनी है, वो वस्तुगत या हमारे शरीर को समझने की और उसके अनुसार आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या को समझने की तैयारी करनी है, ताकि कोई भी रोग हो जाए तो चरक ने 8 रोग दिए है, 8 निदान है चरक के, वो 8 निदान समझ में आ जाए तो जगत के करोड़ों रोग समझ में आ जाते हैं। वो 8 निदान की चरक की मैं बात कभी करूंगा कि वो 8 निदान को कैसे समझते, शरीर के होने वाले 8, और कितना उस समय का आप देखो कि उतनी समय का कितना सूक्ष्म उनको नॉलेज होगा, जो मॉडर्न साइंस भी अभी वहां पहुंचा है, वहां सुश्रुत ने जहां पर से बताया है आज वहां पर एंड लिखा है, मॉडर्न साइंस भी वहां एंड कर देता है। आज आप एक बात लीजिए वेरिकोज वेन की, वेरिकोज वेन कैसे होता है वो एक बार सुश्रुत को पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि उस समय इतने साधन नहीं थे, कोई भी प्रकार का ऐसे साधन देखने का, अंदर को देखने का कोई जभी भी कोई भी प्रकार का उपलब्ध नहीं था इंस्ट्रूमेंट। तब उस समय साधना की आंख से उन्होंने क्या क्या देख लिया, उन्होंने पूरी की पूरी शिरा की गिनती कर और गिन करके कहा कि पूरे शरीर में 300 शिराएं हैं, और सूक्ष्म होकर उसका उसकी चौथा भाग की शिराएं और जगह प्रसरित है, तो मिलकर कितनी हो गई, 300 का चौथा भाग 375 हो गया। आज भी मॉडर्न साइंस कहते 398 शिराएं है पूरे शरीर, तो ये करीब करीब पूरा का पूरा दोनों का मिलता आया का, पूरा का पूरा मिल गया दोनों का। वेरिकोज वेन के कारण जो सुश्रुत ने बताए हैं मॉडर्न साइंस आज वही बता रहा है, और रोग समझने में विज्ञान को पूरा 100 साल लगा कि वेरिकोज वेन रोग क्या है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा
बताऊंगा कि वो कैसी कैसी शिराएं होती है, शिरा अर्थात क्या होता है, धमनी अर्थात आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, उसके दोष क्या होते हैं और वो शरीर पे क्या करती है। वो सुश्रुत का शरीर स्थान हम जब गुरुवर्य के मुख से सुना तब पता चला कि आयुर्वेद के पास शरीर का कितना ज्ञान, केवल शरीर का नहीं है, शरीर के ऊपर मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, चित्त का, आत्मा का, उसके संस्कारों का, आयुर्वेद इसके लिए ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का निधि है। हम उससे कितना ले पाते हैं, हम उसका कितना अनुसरण कर पाते हैं, इसका देखना है। अगली बार शरद ऋतु के आहार विहार के ऊपर हम फिर सेशन, राजेश्वर जी बताएंगे आपको कि फिर सेशन रखेंगे और उसके ऊपर क्या क्या आपको करना है, भूल से भी आपको कदाचित ऐसा कुछ हो जाए या कोई लोगों को हो जाए तो हम कैसे उसको आहार विहार से, सामान्य औषध से ठीक कर पाएंगे। और ऐसे गुरुवर्य की संकल्पना है, गुरुकुल और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए, हमारे मित्र स्नेहीगण, ये सब संकल्प पूरा करने वाले हैं कि पूरे भारत में ग्राम वैद्य तैयार करने हैं। एक गांव में पहले ऐसा कहा जाता था कि श्रोत्रियो धनिको राजा नदी वैद्यस्तु पंचमह पंचेते यत्र न पंचेते यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। क्या कहते हैं कि श्रोत्रिय व्यक्ति, तत्वज्ञानी व्यक्ति जिस नगर में नहीं रहता हो वो गांव में रात भी रुकना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, नहीं रात नहीं रुकना चाहिए। श्रोत्रियो धनिको राजा, धनिक न रहता हो उसमें रात नहीं रुकनी है, राजा जिसमें न हो उसमें रात नहीं रात रुकनी नहीं है। और आगे क्या कहा, धनी को श्रोत्री और राजा नदी जिस पे नहीं हो उस पर रात नहीं रुकनी, और वैद्य जिस गांव में नहीं हो उस गांव में एक रात भी, पंचेते यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत, उसमें एक भी दिन आपके लिए सेफ नहीं, आप कभी भी पूरे हो सकते। तो वैद्य का इतना महत्व है, सबसे ऊपर वैद्य को रखा है पांचवा, उत्तरोत्तर गरीय है ये सब बातें, उत्तरोत्तर प्रबल है। इसके लिए आगे बताते हैं कि उत्तरोत्तर ये गरीय है, प्रबल है, वैद्य इतना प्रबल व्यक्ति है तो वो गांव में रहे, एक गांव पूरा स्वस्थ हो जाएगा एक वैद्य के कारण। तो इसके लिए ये वैद्य का प्रशिक्षण कैसे करना है, ये वैद्य की तैयारी करनी है, तो गांव गांव पर आयुर्वेद का हम फिर से उत्थान कर पाएंगे। ये आयुर्वेद के ऊपर जो अन्याय हुआ हमने उसकी उपेक्षा की, गुरुकुल शिक्षा पूरी हो गई तो आयुर्वेद चला गया, तो आज हरेक भारत, भारत का हरेक व्यक्ति कम से कम शरीर थे तो स्वस्थ होगा, तो वो मन से अच्छा विचार कर पाएगा। रोगी शरीर से कभी भी व्यक्ति तत्वज्ञानी नहीं हो सकता है, अच्छे विचार नहीं कर पाता है, वो पूरे दिन सोचता रहता है बुखार के बारे में, पैर के बारे में, बालों के बारे में, सिर के बारे में, तो वो भेजे के ऊपर की बात नहीं सोच सकता है। इसके लिए हमको आहार विहार का ज्ञान हरेक को मिले, बहनों को मिले, कैसे रसोई करनी है इस तरह से हम निरोगी रह सकते हैं, कैसे आहार विहार करना है उसके बाद हम फिर से करने वाले हैं, गांव गांव तक ये ज्ञान पहुंचे, इसके लिए हम कटिबद्ध ग्राम वैद्य की संकल्पना जिसको हम धन्वंतरी दूत कहते हैं, तो इसके करने के लिए हमने पूरा का पूरा अभ्यासक्रम तैयार किया है, वो हम पूरा करेंगे। एक बार हम ये कहते हैं, गुरु जी भी ये कहते थे, 8 घंटे की वो शिविर लेते थे, एक ऐसे 5 दिन रखती थी रिपीटेशन, बिना बिना प्रेजेंट, बिना कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन, बिना कोई कागज हाथ में लिए हुए 5 दिन 8 घंटे बोलना है। पहले आधे घंटे बैठने की जवाबदारी व्यक्ति की होती है, 7.5 घंटे बिठाने की जिम्मेदारी गुरु जी की होती है। पहला आधा घंटा वो बैठ गया तो मानो कि वो 7.5 घंटा उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इस तरह का अभ्यासक्रम अभी हमने बनाया है, पूरा आयुर्वेद का गुरु परंपरा से आधारित, अनेक प्रकार के प्रयोग, अनेक प्रकार के रोगों से बचने के उपाय, कॉम्प्लिकेटेड रोगों की सारवार कैसे करें, अनेक पथियों का ज्ञान जो गुरुजी ने दिया, होम्योपैथी पंचगव्य उसके साथ, तो जल्द ही हम राजेश्वर जी को कहेंगे कि उसकी भी कुछ व्यवस्था करेंगे भारत भर में। और अगली बार हम इसके ऊपर फिर से मिलेंगे तब इसकी बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं आगे आने वाले ऋतु में, ऋतुचर्या कैसी कर सकते हैं, वो ऋतु में कैसे हम बच सकते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखकर औरों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो हम आगे शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी। अब राजेश्वर जी कुछ है तो वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज कैसे भी
बहुत प्रॉब्लम्स है समाज में और ये ताड़वे भी बढ़ रहे, तो थोड़ा आज का जो सेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज रिपीट करेंगे। पहले जो है पानी जो है, आप अपना संस्कृति आर्य गुरुकुल का जल शुद्धि बूंद है और तुलसी गिलोय दो बूंद डाल के मैं ऐसे ही पीता हूँ घर में, वो एक जल का जो है। और धूप का जो है रोग रक्षक धूप है, गोबर का कंडे जला के उसमें रोग रक्षक धूप है अपना संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास, वो भी जला के मैं दो बार धूप करता हूँ। ये तो वायु शुद्धि हो गया और जल शुद्धि हो गया। और आचार्य आप दवाई जो है, आप प्लीज दवाई का क्या क्या दवाई जो है हम लोग संस्कृति आर्य गुरुकुल में रखते हैं, वो अभी मुझे जो मुझे तो आप सजेस्ट किए थे, मैं इधर क्योर किया था कुछ लोगों को, लेकिन आप प्लीज बोलिए क्या क्या दवा जो जैसे आप महासुदर्शन के लिए कुछ सब। दवाइयाँ घर पे रखें, कोई भी कंपनी के लिए संस्कृति गुरुकुलम भी बना रहा है आपके, या आपके यहाँ सस्ती है तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। उसमें मैं लिखा देता हूँ कुछ कुछ वस्तुएं। एक तो सबसे पहले ज्वर के लिए, बुखार के लिए जो आयुर्वेद ने दवाई लिखी है उसके दो भाग है, एक रस औषधि है, काष्ठ औषधि है। मैं आज जो बताने वाला हूँ वो पहले, मतलब पहले स्टेज की औषधियां होगी, आगे मैं दूसरे बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले महासुदर्शन घनवट्टी आपके घर में रखिए, पहली बार। गिलोय घनवट्टी दूसरी है, वो दूसरी रखिए। ये मैं प्रसिद्ध नाम बता रहा हूँ, कदाचित आपको यहाँ से न मिले, न मंगा सके, आप कहीं से भी वो ले सकते हैं, ऐसी नहीं है। दो बात, दो मैंने दवाई लिखी, उसका डोज क्या है, तो सुबह दोपहर शाम एक 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 आप उसको ले सकते हैं। किसके साथ लेंगे, गर्म करके ठंडे पानी के साथ उसको पी सकते हैं। बालक है 6 महीने के ऊपर का, उसको चम्मच में उसको हिलाकर उसको दे सकते हैं, बिल्कुल उसको लिक्विड करके उसको दे सकते हैं। कड़वी होगी लेकिन वो बहुत ही इफेक्ट करेगी। दूसरी दो दवाई जो हम बनाते हैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो चार दवाइयों का मिश्रण करना होता है, वो थोड़ा कठिन होता है, अलग अलग लेकर उसको मिक्स करना। इसके लिए कैप्सूल होती है, उससे पाउडर निकाल कर सिंपल आप उसको मधु के साथ पी जाए। अभी सेवन करने में मधु हनी सबसे श्रेष्ठ है, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसके लिए हनी का सेवन करें, जब भी कोई भी हमारी आए तो हनी बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए दवाई कुछ कुछ दवाई है हनी के साथ ले, जैसे मैं बताता हूँ मेगा कोल्ड है, जैसे मैं बताता हूँ कि वो अपनी इफनी है, तो ऐसा कभी भी लगे आपको कि आपको बुखार जैसा है तो एक एक गोली, एक एक कैप्सूल का पाउडर सुबह शाम ले। कफ नाशक है, थोड़ी गर्म है, इसके लिए आधा डोज ले, एक एक कैप्सूल मात्र ले सुबह शाम। आप समझ गए, इफनी है या मेगा कोल्ड, दो में से कोई एक कैप्सूल को पास करें, आपको बुखार ज्यादा है तो इफनी, कोल्ड ज्यादा है तो मेगा कोल्ड, इस तरह से आप व्यवस्था करें। पानी उबाल कर ठंडा किए। आगे जाकर कि आप आटा बंद कर दीजिए, शरद ऋतु आटा जो कोई भी खाते हो, गेहूं का आटा हो या बिल्कुल सूक्ष्म किया हुआ आटा, वो भारी होता है, तो उसके स्थान पर आप जो जौ की रोटी खाए और बहुत ही वो आटा का भाखरी खाए, मतलब जो बड़ी बड़ी आती है, या ज्वारी की खाए, इस तरह से आप बिल्कुल नरम रोटी की जगह पर ऐसे बहुत ग्राइंडिंग वाला आटा छोड़कर थोड़ा थोड़ा, तो पचने में हल्का हो जाता है। अभी पाचन शक्ति को देखना है तो पचने में हल्का हो ऐसा आप आहार का सेवन करें। दूध का सेवन इस समय करें जब शरद ऋतु आए कम, दही का सेवन हो सकता है तो छाछ का सेवन भी न करें इस समय पर। खट्टे फल अभी छोड़ देने हैं शरद ऋतु, चाहे उसमें विटामिन सी हो, लेकिन वो आपको आंवले से लेना है। आंवले की, आंवला की रसायनम, या ऐसी कोई जो द आंवला चूर्ण, रसायन चूर्ण या त्रिफला चूर्ण आप नियमित सेवन करें, खास करके त्रिफला की गोली सेवन करें या त्रिफला चूर्ण सेवन करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा इस ऋतु में। त्रिफला की गोली लेंगे तो पेट साफ होगा, और त्रिफला चूर्ण लेंगे तो पेट साफ होकर आपका पित्त बढ़ेगा। और एक दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण, उसकी हम गोली बनाते हैं अविपत्तिकर टेबलेट। अविपत्तिकर टेबलेट अभी बनेगी, तो अविपत्तिकर टेबलेट आप लीजिए, वो पित्त को निकालने की बहुत ही अच्छी दवाई है। विकृत पित्त हुआ है तो कभी भी विपत्ति नहीं करती है, इसके लिए उसका नाम है अविपत्तिकर। आप आयुर्वेद में देखेंगे कि कभी विपत्ति, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट उसकी नहीं होती है, इसके लिए उसका नाम है अविपत्तिकर। तो इसका आप गोली दो तीन ले सकते हैं ताकि वो पेट साफ हो जाए, तो बहुत ही
अच्छा रहेगा, बहुत रोगों के सामने रक्षण मिलेगा। पानी की बात बताई, उसमें जल शुद्धि बूंद या तुलसी बूंद डालकर उसका सेवन कर सकते हैं, 2 बूंद तुलसी का या 10 बूंद जल शुद्धि का या दोनों एक साथ भी डालकर उसका सेवन आप कर सकते हैं। रोग रक्षक धूप का सेवन कर सकते हैं। सत्वावधि चिकित्सा के लिए अग्निहोत्र रोज करें, वो मैं आगे बताने वाला हूं आके। तो इतनी लिखे इम्यून अर्क इस समय सबसे बेस्ट है, तो इम्यून अर्क का सेवन करें, वो पानी में 1 चम्मच डालकर जब भी आपको ऐसा लगे, तो डॉक्टर भी उसका यूज करते हैं, तो वो इम्यून अर्क का आप एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ मिलाकर पिए तो बुखार में भी काम आएगा, कभी सर्दी हो गई तो काम आएगा और इम्यूनिटी के लिए भी काम आएगा। तो इसके लिए हम आहार चार्ट भी आपको लगभग लगभग अगली बार तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि संस्कृत का भी वर्ग है, लेकिन उसके बाद में आपको आहार चार्ट दूंगा, अगली बार मैं आपको समझा दूंगा आहार कि आपको किस तरह का आहार लेना है क्या नहीं लेना है। खास करके आप आहार क्या नहीं लेना है वो समझ लेंगे तो भी बहुत रोगों से आप बच पाएंगे। कैसे आहार क्यों ऐसा नहीं लेना है उसका एक पूरा साइंस है, और उसके ऊपर हो सकता है हम पूरी सीरीज रखे कभी भी, लेकिन उसके पहले मैं आपको चार्ट अवश्य ही भिजवा दूंगा। अभी ज्यादा मीठा खाने की बात नहीं है, ज्यादा तो कुछ नहीं खाना है। जब मैं मीठा कहता हूं तो आपको मात्रा समझनी, देखिए आयुर्वेद के 2-3 बात याद रखे, भरपेट कभी नहीं खाना है। आपके भरपेट खाइए, भरपेट नहीं खाना है। पहली बात, भरपेट कुछ नहीं खाना है। दूसरी बात, अति कुछ नहीं खाना है। हम जब कहे कि आप मीठा खाओ, आप कड़वा खाओ, तो आप अति मत समझ लेना, बराबर, वो अति मत समझ लेना। हम क्या कहते हैं कि सब्जी में नमक डालो, तो हम नमक इतना थोड़ा डाल देते हैं, मात्रा में डालते हैं ना, इतना नमक डालते हैं। तो उस तरह से जो बताया जाए वो आहार मात्रा में लेना है। मीठा खाना है अर्थात कैसा मीठा खाना है, तो आपको इतनी चीनी नहीं खा लेनी है भर के एक वो उसका, क्योंकि वो मीठा खाना बोला था, तो उसके लिए दूध खाना है, थोड़ा शरद ऋतु में इलायची डालनी है, उसमें जायफल डालना है, उस तरह का मीठा खाना है। तो इस तरह से आप मीठा खाने के, और बाद में शरद पूर्णिमा का क्या चर्या है वो भी बताएंगे। तो मुझे इतना कहना था, तो मैंने इतना बताया। इम्यूनर महासुदर्शन घनवट्टी, गिलोय घनवट्टी, अभिपत्ति कर टेबलेट, आगे जाकर इफनी, मेगा कोल्ड और तुलसी बूंद, जल शुद्धि बूंद, इतनी आप औषधियों में से कोई भी औषधि आपके हिसाब से वो रखेंगे तो आपको उसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। बच्चों को बचाने के लिए भी मैं अगला सेशन लेने वाला हूँ, उसमें कौन से धूप आप घर पे करें ताकि बच्चों की सुरक्षा हो। बच्चों का खास ध्यान रखना है, अभी हमने बच्चों का ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाली लहर में यदि बच्चे प्रभावित हुए हो सकते है, क्योंकि हम वो बाहर का न्यूज देखकर हम ये नहीं बता रहे, हम स्थिति देखकर बता रहे हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णित की है ऐसी स्थिति अभी समाज में आ रही है, तो इसके लिए हम ये बता रहे हैं कि ऐसा आ सकता है कभी भी, और बच्चे प्रभावित होंगे तो गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाए उसको। वो हमने पहली बार भी देख लिया था, नहीं एलोपैथी की ताकत है, नहीं WHO की है, नहीं आयुष मंत्रालय की है। उसमें हर एक व्यक्ति को जागना पड़ेगा, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जागना पड़ेगा, तो कम से कम नुकसान होगा और बच्चों को हम बचा पाएंगे। नहीं तो बच्चों से के लिए अब जो शोषण हुआ व्यक्ति का, हॉस्पिटलों ने किया और लोगों ने किया, वो शोषण 10 गुना होगा बच्चों को जब होगा तब, क्योंकि बच्चों के लिए व्यक्ति बहुत कुछ दाव पर लगा देता है। तो बच्चों के लिए ये हो, कदाचित आए तो भी हम इतने सक्षम हो हमारे विज्ञान पर कि उसको हम बचा पाए। तो इसके लिए सभी संकल्पबद्ध हो, हम पूरा उसका नॉलेज ले, ज्ञान ले, और हर एक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से उसको बताए कि ये वो करे, बराबर। इसका हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इसमें से हमको किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ हो। आप वहां पर बैठकर हम होम्योपैथिक दवाई को सजेस्ट करते हैं, हम दूसरी कंपनियों को भी सजेस्ट करते हैं। अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का, स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। तो इसके लिए, और लोग बताते हैं कि भाई संस्कृति गुरुकुल में, बीच में बताता हूँ ये दवाई की, इसलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि कुछ कुछ दवाइयां बहुत अच्छी होती है और हम अपने ऑब्जर्वेशन में करते हैं। वो लोग कहते हैं कि संस्कृति गुरुकुल में डाबर में क्या फर्क है, और तरह के वो औषध निर्माता ही है। हाँ, लेकिन डाबर वाले किसी को फोन पे सलाह नहीं देते,
उसको 2 बजे कोई प्रसूति वाली स्त्री फोन करे कि मेरा बेटा अटक गया है, डॉक्टर मुझे परेशान कर रहा है, तो मेहुल भाई 2 बजे फोन उठाकर 3 बजे उसको जवाब देते हैं, डॉक्टर को दो, मैं बताता हूँ सीजर की जरूरत नहीं है, आप निसंकोच इतनी इतनी औषधियां ले लो, उसको कुछ नहीं होगा। बहुत सारे रोगों के सुबह 5-6 बजे फोन आते हैं, किसी के 12 बजे फोन आते हैं कि इस तरह की मैं हूँ। तो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, सीईओ हो, इस तरह का देता हो भारत में, एक तो आप बता दो कोई भी व्यक्ति इस तरह का वो देता हो। गुरुकुल की ये ताकत है, वो उपकार नहीं कर रहे हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होता है ज्ञानियों का, जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसको पहले सेवा करनी। राजेश्वर राव जी यही बताते हैं कि जिसको शक्ति दी है उसको पहले ही आगे आकर अपना सामर्थ्य से संस्कृति की सेवा करनी है। और कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि हम नजदीक से नजदीक की दवाई बताते हैं कि आपको ये नजदीक वाला स्टोर है वहां जाओ, वहां से इतनी इतनी दवाई ले लो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक, वो पहले ले लो और खा लो और आप स्वस्थ हो जाओ, तो हमको इतना आनंद आता है जब उसका फोन आता है कि आपकी दवाई से मेरा बेटा बच गया, आपकी दवाई से जो उसको बिच्छू काटा था वो अच्छा हो गया। कोई कहता है, और मेरे पास मैसेजेस है कि बालक चल नहीं रहा था, ऑपरेशन करवाना था, आपकी 1 महीने की दवाई से उसके पैर में अच्छा हो गया, स्वर्ण प्राशन से अच्छा हो गया, तो वो हमको जो आनंद आता है ना, उससे कहते हम, आपको कोई ऐसे गरीब दिखे तो बताइए, आप उसके पास कोई दवाई लेने का पैसा नहीं है, संस्कृति गुरुकुल से दवाई मुफ्त है उसको। संस्कृति गुरुकुल से ऐसे गांव है आदिवासी के जहाँ सुवर्ण प्राशन बहुत सारी जगह, पुष्य नक्षत्र पर तो फ्री जाता है, आदिवासी गांव में रोज का सुवर्ण प्राशन फ्री जाता है। तो ये गुरुजी ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है, और मैं ऐसे संकल्प के साथ गुरुजी को वचन दिया है कि आगे आने वाले पर आयुर्वेद को हम पुनः खड़ा करेंगे, क्योंकि आपने जो तपस्या की है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अब वो एक जगह पर नहीं रहेगी, वो खोली वाराणसी पर नहीं रहेगी, वो पूरे जगत को फैला देंगे, हम पूरे भारत में कम से कम फैला देंगे। और राजेश्वर राव जैसे साथी मिले हमको, शिव प्रसाद जी जैसे मिले, आपके जैसे मित्र मिले, तो हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद की पुनः हम प्रतिष्ठा करते। तो इसके लिए मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मैं रात को, अभी आयुर्वेद के हिसाब से तो रात को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे वो भी करना पड़ता है क्योंकि मुझे पास बहुत कम समय है और बहुत सारा कार्य हमको करना है। इसके लिए मैं तैयारी करके आऊंगा फिर अगली बार, बहुत सारे विषयों पर हम फिर से ये करने वाले हैं, क्योंकि संख्या बढ़ गई तो मेरा उत्साह भी बढ़ गया। राजेश्वर जी ने रात भर बैठकर प्रचार किया, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जगह जगह कर लोगों को, तो इसके लिए मैं उत्साहित हो गया कि अब मैं, हम लोग मिलकर ये पूरा का पूरा आयुर्वेद का कार्य करेंगे, निस्वार्थ भाव से आयुर्वेद को पुनः हम प्रसारित कर देंगे। चरक का डाइट में अवश्य ही बताऊंगा अगली बार, जो संसर्जन क्रम है वो भी मैं अगली बार बताने वाला हूँ, और उसको समझते जाएंगे, और वो आप उस संसर्जन क्रम को, चरक के संसर्जन क्रम को प्रमाण के साथ में रखूंगा, उसका आप प्रचार कीजिए। राजेश्वर जी, वो आपको कुछ ऐड करना है जी? आचार्य जी, एक बाल पंचभद्र सिर्फ थोड़ा वो एक बोलिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बालकों के ऊपर जब कुछ तकलीफ हो, 20 साल की तक, 20 साल का बालक ही मतलब कुमार अवस्था के बाद की अवस्था मानी जाती है युवा को, तो युवा और कुमार के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, उसका नाम है बाल पंचभद्र सिरप। चतुर्भद्र सिरप आ रहा है, लेकिन उसमें एक यष्टि मधु करते हैं, वो खांसी की बहुत अच्छी दवाई है यष्टि मधु। आपको खांसी हो जाए कभी भी तो एक लौकिक उक्ति है, वो आयुर्वेद की दृष्टि से बिल्कुल सही है, वो कहते हैं कि जो भी आपको झगड़े होते हैं, झगड़े का मूल हांसी होती है, जो कोई हांसी कर दे, द्रौपदी ने एक हांसी की दुर्योधन की तो पूरा महाभारत खड़ा हो गया, उसने बोला कि अंधे के लोग, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, तो वो पूरा महाभारत खड़ा हो गया एक हांसी से केवल। अब वो हंसी की उसकी, वो हंसी युद्ध का कारण होती है, झगड़े का, और रोगों का कारण खांसी होती है, तो हंसी वो युद्ध का कारण है, खांसी वो रोगों का कारण। तो कभी खांसी हो जाए तो सामान्य मत समझिए, खांसी के उपचार और कोई और पथी ने उतना ये नहीं किया है। अड़ू से आपके घर पे, बहुत लोगों के मुझे फोन मैसेज आए थे कि आप औषधि के बारे में बताना कि घर पे कौन सी औषधि बोनी है। अड़ूसी का एक वृक्ष होता है, वो आप बोए अपने खेत पे, अपने आसपास में कहीं पर भी, तो अड़ूसी के लिए खांसी की अद्भुत दवाई है। तो ये हम एक तो मैं बताऊंगा बाल पंचभद्र सिरप बालकों को दे,
तो उसमें बाल चतुर्भद्र तो है ही, पंचभद्र तरीके का वो यष्टि मधु है जो बहुत ही अच्छी है, गले के लिए यष्टि मधु जैसी कोई दवाई ही नहीं है, तो यष्टि मधु श्रेष्ठ है अर्थात मुलेठी जिसको कहते हैं। तो वो सिरप दो तीन बार उसको देना है, किस किस में है, डायरिया हो जाए, पाचन ठीक ना रहता हो, खांसी होती हो, या धीरा धीरा बुखार रहता हो, तो ये आप पंचभद्र सिरप दे सकते हैं। बालकों के कल्याण करने वाला, भद्र अर्थात कल्याण होता है, बालकों की कल्याण करने वाली पांच औषधियां जिसमें है उसके लिए उसका नाम बाल पंचभद्र सिरप है। तो ये बालकों को दे, उससे कोई हानि नहीं है, कल्याण ही होगा। तो ये बालकों को तीन समय एक 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 चम्मच दे सकते हैं, बड़े लोग भी उसको आसानी से निर्भयता से ले सकते हैं। वो संस्कृत आर्य गुरुकुलम में भी पंचभद्र सिरप बनता है, दो तीन कंपनी शायद और भी बनाती है, लेकिन संस्कृति गुरुकुल में जो हमारा गुरुकुल है वहां पर भी वो बनता है, वहां से वो मंगवा सकते हैं, राजेश्वर भी उसका नंबर दे देंगे। और खास करके यष्टि मधु आप घर पे रखिए, अभी या तो उसका आप थोड़ी लकड़ी रखिए या तो पाउडर रखिए, जल्दी लकड़ी की व्यवस्था हम भी कराएंगे, तो उसको आप खांसी हो जाए तो उसको चूसे थोड़ा थोड़ा। और खांसी के लिए मैं योग योग है वो नेक्स्ट बताऊंगा अगली बार, न मिटने वाली खांसी आपकी मिट जाएगी तो उसके लिए मैं एक योग अगली बार बताऊंगा, इसके बहुत प्रयोग हमने सफलतापूर्वक किए हैं खांसी के लिए। तो ये खांसी को मिटाने के लिए मुझे एक ग्रंथों में से जो गुरुवर्य ने योग दिया था और बहुत सारे खांसी के जो पेशेंट थे उसको ठीक कर दिया था वही योग ने। तो ऐसे अनेक योग जो ऋषि मुनियों ने दिए हैं, तो उसकी हम बातें करते रहेंगे ताकि आप भी अपने गांवों में वो सेवा करते रहे और आपको भी वो ज्ञान। और मेरा एक अनुभव है वो मैं कहता हूँ राजेश्वरी, जो मैं नहीं रह पाता हूँ अभी, वो गुरु जी का एक योग है। एक लड़की थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, गुजरात में आप आएंगे तो वो गाँव के एक स्टेट की लड़की थी जहां पर पहले स्टेट था। तो वो अपने एमडी डॉक्टर आयुर्वेद एमडी से दवाई ले रहे थे, उसने कुमार कल्याण रस से लेकर सारी गोल्ड की दवाई, क्योंकि संपन्न व्यक्ति थे तो वो की थी, दो साल हो गए थे उसकी वोमिटिंग मिट नहीं रही थी। मैं तब गुरुजी के पास पढ़ता था, मैं वहां यहाँ गांव पे आया, मेरा गांव है, और वो हम उसको बुलाकर भी हम पूछते हैं और उसका शेयर करते हैं नंबर के साथ, या ऐसा हुआ था तो जो होता है वही बताते हैं उसका, क्योंकि इतना सारा हो गया है कि अभी हम वो ही बताएंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, तो नहीं हुआ है वो बताने का तो कोई अर्थ ही नहीं। तो हमने उसको एक दवाई सजेस्ट की, उसका नाम है मयूर चंद्रिका भस्म, आप लिख लीजिए, अभी मुझे याद आ गई है, मयूर चंद्रिका भस्म हमने दी। तीन डोज में उसकी उल्टी ठीक हो गई, वोमिटिंग ठीक हुई, तीन डोज। आयुर्वेद देर से काम करता ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बालकों की वोमिटिंग के लिए और गर्भावस्था में वोमिटिंग के लिए मयूर का होता है पीछा, जो अभी हमारा है ना, ये मोर जिसको हम कहते हैं, मयूर पिकॉक जिसको कहते हैं, तो उसका जो पीछे वाला जो उसके जो एक पीछा होता है, जो कृष्ण भगवान उसकी एक वो बनाते थे और उसके उसके ऊपर मुकुट के ऊपर रखते थे, तो मुकुट के ऊपर जो पीछा रखते हैं कृष्ण वो मयूर का है। उसमें बीच में जो ऐसी 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 डिजाइन होती है, आपने देखा है ना, वो डिजाइन होती है, कितनी डिजाइन होती है, परफेक्ट डिजाइन होती है वो डिजाइन, उसको जला देना है, उसकी भस्म बनानी है। देखो ऋषि की क्या दृष्टि, वो उसको जला देना है, उसकी भस्म बनानी है, वो उसको मधु के साथ हनी के साथ चटानी है, उससे नहीं मिटने वाली वो मिट मिट जाती है। तो बहुत सारे प्रयोग हमने किए, मयूर चंद्रिका भस्म आयुर्वेद में उसका नाम है, मयूर की ये चंद्रिका। तो वो तीन डोज में मिट गई, तो उसने फोन किया अपने मित्र को जो एमडी था, उसने बताया कि मेरे यहाँ एक विद्यार्थी मतलब गुरुजी है, मतलब वो पढ़ रहे अभी तो, लेकिन उसने एक औषधि बताई थी, वो औषधि से बिल्कुल वो मीटिंग मिट गई, मैं आपसे एक साल से दवाई ले रहा हूँ। वो बोले कि वो दवाई क्या है, वो बोले मयूर चंद्रिका भस्म। हाँ बोले, वो मैंने पढ़ा था कहीं, कॉलेज का ज्ञान में ये फर्क होता है कि कहीं पढ़ा था मैंने, तो डॉक्टर ने स्वीकार किया कि नहीं ये ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं, जो भी गुरुजी ने बताया है तो हमारे गुरुजी ने, तो वो ऐसा वैसा तो व्यक्ति नहीं है आयुर्वेद में, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। तो गुरुजी ने गांव वाले को, जो एमडी डॉक्टर को पता नहीं है, वो आज हमारे सभी कार्यकर्ता गाँव वाले को पता है, तो गुरुजी ने कहा ये जो सबसे ये सदी में सबसे बड़ा प्रदान रहा, हरेक व्यक्ति को उसने आयुर्वेद जीने के लिए
एक बहुत बड़ी आशा जगा दी आयुर्वेद के लिए। एक बहुत सारे प्रयोग, हजारों प्रयोग जो वाराणसी में बन गए, बिच्छू उतारने के, पित्त शमन करने के, नॉर्मल डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी की माला जहां जहां पर भी गई वहां वहां से फोन आने लगे कि डिलीवरी नॉर्मल हो गई, सीजर का बताया था गुरुजी डॉक्टर ने, लेकिन गुरुजी की माला से ठीक गया। तो गुरुजी का ये अद्वितीय प्रदान जो मेडिकल फील्ड में है, ये तो एक है, तत्व ज्ञान की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन केवल एक आयुर्वेद की दृष्टि से देखे, सुवर्ण प्राशन, नॉर्मल डिलीवरी के लिए माला, अनेक प्रकार के पाक का विवरण और अनेक प्रकार के फूलों का प्रयोग, बिच्छू को उतारने का प्रयोग, अनेक प्रकार के आदिवासी गांवों में जब जब कोई भी काट लेता है तब होम्योपैथिक के कीट का प्रयोग, तो आयुर्वेद में जो गुरुजी ने ये सदी में सबसे बड़ा प्रदान किया वो प्रयोग प्रसार का था। पूरा के पूरे प्रयोग को जानकर उन्होंने ये सदी में पूरे गांवों के गांवों तक ये कार्यकर्ता को पहुंचा दिया, जो एमडी डॉक्टर को पता नहीं होता है आयुर्वेद के, वो सामान्य कार्यकर्ता को, गुरुजी के कार्यकर्ता को पता होता है कि ये औषधि इसमें दी जाती है, ये औषधि इसमें दी जाती है, ये ऋतु में ये नहीं खाना है, ये ऋतु में ये नहीं करना है। और उसी की मैं बात बताता हूँ, वही स्टेट की, उसकी लड़की मर गई, तो हमारा एक कार्यकर्ता वहां पर गया था, तो उसने बताया कि क्यों मरी। अब उसने खाली पेट, वहां पर वो चिकित्सा कर रही थी तो भूख लगी, खाली पेट जामुन खा ली। जामुन एक ऐसा फल है जो कभी भी खाली पेट नहीं खाना है, बच्चों को खास ध्यान रखे, तो उसको फीट आ गई। जामुन खाली पेट खाएंगे अतिशय वात प्रकोपित होगा, वायु का प्रकोप हुआ। एक कार्यकर्ता सामान्य जो दसवीं तक पढ़ा है, दसवीं कक्षा तक, उसने बताया कि जामुन खा लिए थे क्या, वो बोले कि हाँ जामुन का वृक्ष घर पे था। आज कार्यकर्ता भी वो बताएगा, वो शिविर में आएंगे तो अपना अनुभव बताएगा कि मैं रोने लगा, आज एक अज्ञान के कारण जामुन भरपेट खा लिए लड़की ने, और उसके बाद फिट चालू हो गई, क्योंकि वात प्रकोपित हुआ जामुन से। चरक का सूत्र है जाम वह वात वर्धनाना, वात कारक जितनी दुनिया में चरक ने देखी चीजें पूरी दुनिया में, अफगान आज अभी का है जहां काबुल है, अफगान है, वहां से लेकर पाकिस्तान से लेकर सिंध की बॉर्डर से लेकर अभी तक यहाँ तक का भारत का पूरा, कन्याकुमारी से लेकर उस तरफ कश्मीर तक, वहां तक पूरा का पूरा चरक ने जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बताया जाम्बवम वात वर्धनाना, वायु कारक चीजें मिली उसमें से मुझे जामुन सबसे ज्यादा वातवर्धक मिली। तो वो खाली पेट नहीं खाना है, वात को विकृत करेगा, अनेक प्रकार की हानि कर सकता है, इसके लिए आहार का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगले आने वाले कैसे कैसे रोगों में गुरुजी ने क्या बताया है वो मैं फिर से कहूंगा, उसके बारे में हम प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, गुरुजी ने कितने कितने प्रयोग किए हैं इसके लिए, और ये केवल बातें नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है इसका पूरा, राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, उपराष्ट्रपति ने दिया, जबकि पुरस्कार के लिए कोई काम गुरुजी ने नहीं किया, वो संस्कृति गुरुकुल के पास है आज भी, और पूरा का पूरा ये कार्य गुरुजी का तो ये है कि वो संकल्पबद्ध है कि वो सब जगह पर आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार करना, निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से उसको विद्या का प्रदान करना, जो जीवन विद्या है उसका दान देना, तो व्यक्ति के जीवन विकास के लिए ये उत्तम अवसर है अभी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये मैसेज को पहुंचाएंगे, और अगली बार राजेश्वर राव जी अगली बार हम आएंगे तो और जो बातें औषधियों की रह गई है वो हम करेंगे आचार्य जी। एक छोटा चीज था, बाल ज्वर हर सिर्फ जो है उसका जी बताने, वो भी बाल ज्वर हर है वो सिर्फ आता है, बाल ज्वर हर, बाल रक्षा ज्वर हर, वो बालकों के बुखार के लिए है वो भी रखे, और बाल रक्षा कफ सिर्फ है, वो बालकों को ऐसा अभी के काल पे कोई भी कफ का हो जाए कोई तकलीफ तो वो भी रख सकते है, तो बाल रक्षा ज्वर हर और बाल रक्षा कफ सिर्फ तो ये रख सकते हैं। बड़ों के लिए मंत्र औषधि कफ सिरप है, बालकों के लिए बाल चतुर्भद्र सिरप भी रख सकते हैं, बाल चतुर्भद्र में जो चार आता है वो बाल पंचभद्र में आ गया है, इसके लिए बाल पंचभद्र ज्यादा अच्छा है। और आचार्य जी एक तो संस्कृति गुरुकुल वेबसाइट से आप सुवर्ण प्राशन और अमृत प्राशन मिलते हैं, सुबह सुवर्ण प्राशन और शाम को अमृत प्राशन देते हैं बच्चों को, तो इससे बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगा। और कल रात को 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं, आयुर्वेद सेशन है, फोर्थ सेशन है, हम लोग आचार्य जी हम लोग रेगुलरली बोल रहे हैं फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन एक बार आचार्य जी बोले थे मेरा वीडियोस क्यों फॉरवर्ड नहीं कर रहे बोलने से, वो लोग क्योंकि मेरा कौन सुनेगा आचार्य जी का वीडियोस फॉरवर्ड करने से, मेरा कोई नहीं सुनता है बोल के, वो भावने बहुत लोग जो है डॉक्टर्स है सेशन में वो लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे।
देखिए ये सही है, लेकिन वो एक थोड़ी संकुचितता को छोड़ देंगे, बराबर है ना? तो उसमें संकुचितता ही एक प्रकार का भी कर, मैं सोचूंगा कि गुरुजी का मैं क्यों लू ना, उसमें तो गुरुजी की बड़ाई होगी, मैं तो छोटा हो जाऊंगा कि ये इसके पास, तो ऐसा नहीं है, उससे मैं ही बड़ा हूं। मैं जब ये बताता हूं तो मेरे गुण सामने आते हैं, मेरे पास क्वालिटी जो होती है, तो हम जब कुछ भी काम करते हैं तो कुदरत उसका फल देता ही है, उसकी असर होती है, तो वो एक थोड़ा बड़ा सोचे। भारत जैसे बड़े देश में आप जन्म कर इतनी छोटी सोच रखते हैं, बड़े बड़े विदेशी लोग यहाँ आकर गए हैं, यहाँ सिखा कर सीख कर गए हैं, उन्होंने खुद वो किया है, प्रचार किया है, तो आपको तो ये एक इतना समझना चाहिए कि इसमें ऐसी कोई, मैं कभी बोलता हूँ ऐसा कि ये साइकोलॉजी है, ये करते हैं ऐसा बहुत लोग, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो ऊपर उठे तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, उसके जो फॉलोअर्स है उसके जो, और मैं तो ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ कि उसके फॉलोअर्स मेरे पास आ जाए, या राजेश्वर जी के पास भी कोई संप्रदाय नहीं है, नहीं कोई कंठी देते हैं, नहीं कोई मंत्र देते हैं, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। इसके लिए जो आते हैं वो औषधि से ज्यादा ले पाते हैं, हमारे से ज्ञान ले पाते, और कोई वो कुछ नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करना और 1 लाख फॉलोअर हो गए, इतने लोग हमारे अनुयायी हो गए, ये गिनती नहीं है, हम वो हिसाब किताब वो नहीं लगाते हैं, तो इसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। हम क्या कहते, हम ये ही कहते हैं कि हम कर्ज चुका पाया तो समझूंगा अंश चुकाया, हमको चुकाना बहुत है ऋषि मुनियों को, और ये ज्ञान लिया है, इसलिए इसके लिए हम ये कार्य करते हैं। तो आप भी जुड़िए, परम पवित्रता से जुड़िए, तो वो बहुत ही हमको लाभ करेगा, आगे वाली पीढ़ी को ऐसी ही छोटी छोटी हमने विचारधारा रखी तो गुरुकुल शिक्षा खत्म हो गई, आयुर्वेद पूरा अभी व्यवस्थित रूप में नहीं है आज, तो इसके लिए तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी सोच छोड़ दीजिए, वो सबसे बड़ा कोरोना से भी भयानक वायरस तो ये संकुचितता का वायरस है, तो ये इससे हम मुक्त होंगे तो आयुर्वेद का बड़ा काम। जी करेक्ट आचार्य, ये इंडिविजुअल लेवल में भी है, ये हाँ ऑर्गेनाइजेशन देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन हो, आध्यात्मिक संस्था हो, वो हाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी है छोटी सोच, और इंडिविजुअल लेवल में भी है। तो ये दोनों हटने से यही सेशन जो है लाखों लोग जुड़ते हैं, ये एक दिन में जो है कुआ बनेगी, सब लोग एक ही जगह गड्ढा खोदने से। अभी तो गड्ढा बना रहे सब लोग, तो अलग सही अलग बात, जगह गड्ढा खोद के, तो भारत को बदलना, स्वस्थ बनाना एक ही दिन का काम है हम लोग जुड़ के रहने से। तो आइए मिलके, और कल जो है शाम को जुड़िए, और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कृपा करके, हम लोग भारत को स्वस्थ बनाएंगे, और आयुर्वेद ऋषि मुनियों की परंपरा को हम लोग फिर जो है खड़ा करेंगे भारत में, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, गुरुकुल सिस्टम भी वापस लेके आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और सिंगापुर शिव प्रसाद जी के लिए स्पेशल धन्यवाद। अभी एक बज रहे हैं उनका, एक जी बज रहे हैं उनका, तो सेक्रीफाइस डेली हम लोग याद करते हैं, तो उनका सेवा तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद जी। नमस्कार, आप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरा नंबर, नंबर मुझे जो भी देख इसका लीजिए। दवा है, 9449596039, आज का सेशन का जो भी मेडिसिन लिस्ट में डाउट हो इसमें जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आचार्य आप भी एक सेट बनाइए, मतलब थर्ड वेव के लिए एक सेट, एक बॉक्स ऐसा बनाइए ताकि चलेगा, लोगों को ये आसानी से रखे समझ में सबका आए। घर में इतना रखेंगे आप, करिए वही इम्यूनार के सब जो है सब मिला के एक ठीक है सेट। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्ते बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।